फोटो में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, और इतना ही नहीं शायद जू में भी देखा होगा। अकेले जंगल में चलते हुए देखा है क्या? कभी गुस्से में शिकार करते हुए देखा है क्या? कभी 1.5 किलो का पंजा मारते हुए देखा है? देखा है क्या? देखा है क्या? तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। वेरी गुड सूर्य सिंघम, हमारे प्लान के मुताबिक पब्लिकली तुमने नौकरी से इस्तीफा तो दे दिया सर। लेकिन पर्सनली सीएम ने तुम्हें मुंबई सिटी में डीएसपी की पोस्टिंग दी है। थैंक यू सर। मुंबई के समुद्र के रास्ते इंडिया में हथियार की तस्करी हो रही है, ऐसी खुफिया डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई है। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में और कोस्ट गार्ड रिकॉर्ड में ऐसी कोई खबर नहीं है। तुम चाहो तो 6 महीने या 1 साल यही सिटी में रहकर हार्बर को अब्सॉर्ब कर सकते हो सर। जिस दिन सारी डिटेल्स तुम्हारे हाथों में आ गई है ऐसा लगे उसी दिन डीएसपी का चार्ज ले लो सर। ये बात सिर्फ हम तीनों को ही पता है, तुम चाहो तो अपनी पत्नी को बता सकते हो। ये मैं किसी और को नहीं बताऊंगा सर। सारा नेटवर्क अपने कंट्रोल में लेके जल्दी चार्ज ले लो। हेलो, मीरा रोड के आगे हथियारों की तस्करी हो रही है। कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ ये जाना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना उसे माल उतार रहे हैं। आओगे तो पकड़ सकते हो। बोलिए सर। मेरी बात सुनिए, आपके माल उतारने की खबर कोई पुलिस को दे रहा है। धर्मा, माल उतारने की खबर किसी ने पुलिस को दे दी है? पुलिस का फोन आया, वो यही कहीं होगा, जाओ ढूंढो उसे जल्दी। वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, पकड़ उसे, डॉग कैब से बाहर मत निकलने देना। कब तक साला को ही जल्दी संभालना, मालना जल्दी। करोड़ रुपए का माल, इतने लोग सांड की तरह यहाँ पर खड़े हैं, इसी भरोसे पर तो मैं आराम से सोया था। उसे जी भर देखकर उससे मार खाकर यहाँ मुंह छुपाने चले आए? नहीं भाई, माल तो पहले से ही उतार दिया था, लड़के थोड़ा घबरा गए थे इसलिए। क्यों घबरा गए थे? मुंबई की सरहद से लेकर अलीबाग तक पूरे 150 मील तक फैला समंदर हमारे कंट्रोल में है। कौन है रे वो? उस अकेले ने 10 आदमी को मारा है, वो वाशी वाला डेविड ही होगा भाई। तुम्हें कैसे मालूम? उसने पहले भी हमसे छुपाकर 2 बार मीरा रोड पर माल उतरवाया था, इसीलिए डाउट हो रहा उस पे। उसे छोड़ना मत, टपका दो, दूसरों में भी उसकी मौत से डर पैदा हो, इतनी बुरी तरह मारना। बोला, मैं कुछ नहीं।
जानता। तो तू रात को कहाँ गया था? मैं कहीं भी जाऊँ तुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुझे बताने की जरूरत नहीं तो तुझे जिंदा रहने की जरूरत। पत्थर से बांध के समुद्र में फेंक दे। भाई मैंने कुछ नहीं देखा भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा भाई, मुझे छोड़। ओए ये सहाय कौन है? अकी मुंबई को पता चलनी चाहिए। जा जो देखा सबको बता। आगे फेंक दे इसे। अबे फेंक ना। क्वेश्चन पेपर किसी ने आउट कर दिया सर। कल सारे क्वेश्चन पेपर्स को मैं ठीक से लगा कर गया था सर, लेकिन यहाँ तो सारे उल्टे पुल्टे दिख रहे हैं। कहाँ है वो नॉनसेंस? गो 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 गो। क्या है भाई, कुत्ते को लेकर अंदर आ गया? अरे यही कुत्ते जिसने क्वेश्चन पेपर चुराया ना, उसकी गंध पहचान कर पकड़वाने वाले। क्या कहा? ये उसे पकड़वाएंगे? तो क्या तेरी तरह किचन में जाकर बीड़ी पिएंगे क्या? साले नशे डिकेंगे। लेकिन ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? सर जी कुत्ता आपकी तरफ देख रहा है, इस बात की खुशी मनाइए। टेंशन मत दो सर, चलो चलो, कम ऑन जॉनी, लेट्स गो ऑन सच द थेफ्ट। गो 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 गो। मुझे डाउट हो रहा है ये कुत्ते पकड़ पाएंगे भी या नहीं। अच्छा बता, लुंगी के नीचे तूने चड्डी पहनी है क्या? नहीं पहनी, क्यों? तो फिर पीछे आ जा, जॉनी को डाउट हुआ तो लुंगी भी खींच लेगा। जॉनी 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 करने जा रहा है। मुझे लगता है तुम्हारे कुत्तों को सुबह से भूख लगी थी, टॉयलेट की जगह को इतनी जल्दी ढूंढ लिया। मुझे एनिमल वेलफेयर वाले भले पकड़ के ले जाए, लेकिन इन तीनों कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं, इन सब की वाट लगा दूंगा। अबे यार दो ही कुत्ते तो अंदर गए हुए हैं। अबे तीसरा तो तू ही है, बोल बोल कर कुत्तों का मूड आउट कर दिया। अरे रुक जा। एनसीसी मास्टर को बुलाओ यहाँ। सर हेडमास्टर साहब ने आपको तुरंत बुलाया है। तेरी मूछों वाला एनसीसी मास्टर यहाँ आ रहा है, वो पता लगा लेंगे क्या? मिलिट्री वाले भी पता नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स तो कम नहीं हुए हैं, स्कैनर भी ऑन नहीं हुआ है, जेरॉक्स से कॉपी भी नहीं की, हाथ से लिखने का तो मतलब ही नहीं बनता। मोबाइल फोन से फोटो या वीडियो लिया होगा। फोटो या वीडियो क्यों लेगा, ये ताजमहल या दिल्ली का लाल किला है क्या? मैडम न्यू पेपर प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा? इनको साड़ी पहनने में लेट होता है, बाकी सब तो फटाफट। एक घंटा लगेगा सर। प्लीज प्रोसीड। सर आप पुराने पुलिस वाले जरूर हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ऐसे सीरियसली काम कर रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर निकाल कर फ्रेंच दाढ़ी वाले फिजिक्स टीचर के न्यूज़पेपर में घुसा देता हूँ, आप ढूंढने का नाटक करना फिर ढूंढ लेना। क्यों मक्खी? मैं आपको प्रमोशन दिलवाऊंगा, आप मुझे बियर दिलवा। एक कड़क थप्पड़ मारूंगा ना तो दांत के टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े करके आप गोटियां खेलेंगे क्या? नहीं के मैंने कहा तेरे दांत तोड़ दूंगा। क्या हुआ? सीधे जाकर मदन लाल रोड वाले भजन लाल के भाई कीर्ति लाल की बेटी पिंकी लाल को पटाकर पटाकर पूरी ताकत से एक हफ्ते तक बिना खाए पिए दिन रात सोए बिना मैं अपने दांत ब्रश कराऊंगा। ठीक और हट। क्वेश्चन पेपर गायब हो गया, उसमें तो ये टेढ़ी मूछ ऐसे खड़ा है जैसे खेत में बिजू का खड़ा हो। मर्डर केस होता तो ये कपड़े फाड़ कर सलमान खान बन जाता। बाल इतने लंबे लंबे क्यों बढ़ा रखे हैं? वो सर कल छोटे करा लेना। जी सर। सर आप क्वेश्चन पेपर के चोर को पकड़ने वाले थे ना, क्या लंबे बाल बिना नहाए ब्रश ना करने वाले बच्चों को पकड़ रहे हैं? हाय सानिया। हाय। एग्जाम की तैयारी हो गई? प्रैक्टिकल्स है ना, उसकी पढ़ाई तो कल ही कर ली थी। सानिया काम्या मी सर, ये जगत राज की भतीजी है, अगर इस पे शक किया ना तो अपने जूते अपने ही सर पे मारने पड़ेंगे। क्या बात है, आज चश्मा पहन के आई हो? मेरा कॉन्टैक्ट लेंस कहीं खो गया है, ऑर्डर किया है। क्यों सर, स्कूल में चश्मा पहन कर आना गलत है क्या? क्वेश्चन पेपर चुराना गलत है। क्वेश्चन पेपर? यस्टरडेज मैटर सर, आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट सर, हाउ कैन हे यू सी समथिंग। ऑलरेडी मैंने आपके बारे में इनको बता दिया था मैडम। ऑफिस में चोरी छिपे अपने मोबाइल फोन से क्वेश्चन पेपर की फोटो लेते वक्त तुम्हारा कॉन्टैक्ट लेंस वहीं गिर गया था।
मेरा नहीं है सर। ए, ये बॉशन लॉम है, -0.75, शॉर्ट साइटेड, 15 डेज वंस यूज एंड थ्रो कैटेगरी। ये तुम्हारा यूज किया हुआ लेंस है, मैंने करण ऑप्टिकल से कंफर्म कर लिया। कल 4 पैर ऑर्डर किया था ना, ये रही उसकी ऑर्डर कॉपी। सॉरी सर। यही तुम्हारी पढ़ाई है क्या? कंप्यूटर साइंस की मैडम ने पूरी क्लास को धमकी दी थी कि वो सारे बच्चों को एक साथ फेल कर देंगी सर, इसलिए मैंने सोचा कि डोंट गिव सिली एक्सप्लेनेशंस, तुम्हारी वजह से स्कूल की बदनामी होगी। हेडमास्टर से कहकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, टीसी कटवाऊंगा तुम्हारी। सर, अगर मेरी यहाँ की नौकरी छूटी ना, मैं रेलवे स्टेशन पर टीसी बन जाऊंगा। मैम, सानिया के पुराने रिकॉर्ड दिखाई। दो थप्पड़ मारते तो भी चलता, पर सबके सामने मुझे पनिश करेंगे तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ए सानिया, लगता है तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। ओह नो। 12th स्टैंडर्ड सानिया, कम फॉरवर्ड। सानिया कामया। स्टूडेंट्स, आज सानिया का बर्थडे है, सभी विश कीजिए इसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सानिया। हैप्पी बर्थडे सानिया। सर, लड़की की जगह कोई लड़का होता तो आप उसकी बैंड बजा देते, लेकिन गुलाब की कली जैसी सुंदरी थी इसलिए हैप्पी बर्थडे गवा कर छोड़ दिया है ना। क्या बेमक्खी, पनिश करने के लिए रिकॉर्ड निकाला था, तब मुझे पता चला कि आज उसका बर्थडे है, कैरेक्टर अच्छा है, हर साल अच्छे नंबर से पास होती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन चोरी करना गलत है ना। चोरी करना गलत है तो चोरी करवाना भी गलत है। उस लड़की को सजा दी तो टीचर को भी देनी पड़ेगी। उसका बर्थडे था इसलिए पीरियड टाइम पर सबसे उसे विश करवाया। अब तू वो सब छोड़, ये बता बोट चलाना कब सिखाएगा और अपना एरिया कब घुमाएगा? सर, उसमें देखना दिखाना क्या, स्विट्जरलैंड है क्या? जिधर भी नजर घुमाओ टूटी फूटी बोट दिखाई देगी, कब्रों में पांव लटकाए दो चार बुड्ढे भी दिखेंगे, समंदर किनारे नमक दिखेगा, सड़ी हुई मछली की बदबू आएगी। सर, यही है हमारा एरिया, संभल कर पैर के नीचे कुत्ते का केक आ जाएगा। सर, वो सुकड़ा बम्बू काला टकला दिखाई दे रहा है ना, वही है सहाय। ये पत्थर बांधकर समंदर में फेंक कर मारने की टेक्निक इसे नहीं जाती है सर। ये सब किसकी हिम्मत से कर रहा है? भाई ये सर बहुत बड़ा आदमी है, पूरे मुंबई की नमक का किंग है वो, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को दबाकर अपने बगल में घुसा के रखा है सर। लेकिन इनको भी डरा कर रखने वाला एक आदमी है सर, जगत राज। कौन है ये जगत राज? हमारे स्कूल में हैप्पी बर्थडे वाली वो गुलाब की कली है ना सानिया, उसका चाचा है सर। शिप कंटेनर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बहुत सारे बिजनेस है सर, लेकिन आदमी सीधा है, आड़ा टेढ़ा कोई काम नहीं करता है। एक घंटे तक आप कोई डिस्टर्ब मत करना। ये कौन है यार? सभी लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं और ये आदमी उल्टा वॉक कर रहा है। सर, भाई यही वॉकिंग कर रहे हैं। लोग निकल लेते हैं, भाई और जगतरा सामने सामने, पंगा कंफर्म है। साला कस्टम ऑफिसर है तो क्या किसी भी जहाज में घुस जाएगा? अरे इसे समुद्र में मार के फेंकने के लिए मैं भाग आ रहा था, आपने इसे सबके सामने मार दिया। किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया तो क्या करेंगे? साला इस शहर में किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे खिलाफ बोले? अरे आप यहाँ से जाइए भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बाल्टी में कीचड़ लेके आओ, जल्दी आओ, अरे धो यहाँ, चलो जल्दी, जल्दी कर, जल्दी करना, जल्दी, चलो जल्दी। माँ? बेटा खाना खाया? हाँ, खा लिया माँ। काम के लिए मुंबई गए हो, ठीक है, हफ्ते में एक बार तो आ सकता है ना? थोड़ा काम में बिजी हूँ माँ, अगले हफ्ते जरूर आऊंगा। कितने दिन हो गए तुम्हें देख के, अपने माँ बाप से मिलने का मन नहीं कर रहा है क्या?
ठीक है माँ, जल्दी आऊंगा। सुनिए जी, बात कीजिए। कौन है? सूर्या, आपका बेटा। कोई बात नहीं, फिर बात कर लूंगा। बात कीजिए ना। क्या हुआ माँ, पापा है? हाँ। मुझसे बात नहीं करना चाहते? ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मैं रखता हूँ। अपने बेटे से थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, बात कर लूंगा। तेरी माँ का साकिना का। तुझे साकिना का क्यों जाना है? मुझे अच्छी तरह मालूम है बलबीर पाशा। वो सब छोड़ बे, तू इतना पतला कैसे हो गया? तो क्या करूं यार, स्कूल में एक भी ढंग का टीचर है ही नहीं। किस टीचर की बात कर रहा है बे? वो जो इंग्लिश वाली टीचर है ना, वो समझ में नहीं आता यहाँ ग्रामर पढ़ाने आती है या ग्लैमर पढ़ाने के लिए। तो बाकी के टीचर? वो बदतमीज हिंदी का टीचर, वो आधा पागल केमिस्ट्री का टीचर, और दिमाग का दे इतिहास का टीचर। पूरा स्कूल ही वेस्ट है क्या? ए झिंगुर, मुंह का ढक्कन बनकर, स्कूल कैसे वेस्ट हो सकता है? कुल मिलाकर 16 एकड़ है, उसमें बिल्डिंग 2 एकड़ है, बाकी का 14 एकड़ जो है उसे अलग करके बिल्डर को बेच देंगे, फिर हम दोनों को 6-6 करोड़ मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ से भागकर अंडमान निकोबार चले जाएंगे, वहाँ खुद का आइलैंड खरीदेंगे। बिता सकते हैं, मौज मस्ती की जिंदगी बिता सकते हैं। अब हमें स्कूल की रेपुटेशन की बहुत चिंता है, इसलिए सीरियसली डिस्कस कर रहे थे सर। तू जो हम सब की बुराइयां कर रहा था ना इस माइक के जरिए, हम सब सुन रहे थे। हम सब बहरे लगते हैं, ये ऑन लगता है, साफ करते समय ऑन हो गया होगा। अबे खुसट लंगड़े गधे, मेरे कंधे पर बंदूक रख के मुझे फंसा दिया। तू हमेशा की तरह बाहर निकल जा। नहीं सर जी, हमेशा की तरह आप मुझे माफ कर दीजिए सर। त्वमेव माताचा पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्चरा त्वमेव त्वमेव विद्यात्रा पिता त्वमेव त्वमेव देव त्वमेव देव। पीछे मुड़। सर, हाउ आर यू मिस्टर सिंघम? क्या डेवलपमेंट्स हैं? कोस्टल एरिया की टाइटली पूरी तरह सर्वेलेंस कर रहा हूं सर। हम जैसा सोच रहे थे वहां हथियारों की तस्करी नहीं हो रही, कुछ और ही हो रहा है। हमारे ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग गलत लोगों की मदद कर रहे हैं सर। तो कोई और प्लान? डिपार्टमेंट में होने वाली सारी बातें मुझे जानना जरूरी है सर। प्रीवियस मिशन में रविकांत ने मेरी मदद की और SI प्रमोट हुआ था। हरी पांडे और दामोदर की यहाँ पोस्टिंग करने के तो मेरे लिए यूजफुल होगा सर। ठीक है, मैं तुरंत करता हूँ। थैंक यू सर। और बताओ, शादी के बाद की लाइफ कैसे चल रही है? नहीं सर, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई? शादी की परमिशन लेने के लिए ही काव्या को लेकर मैं अपने घर गया था सर। नौकरी छोड़ देने की वजह से नाराज होकर पापा ने शादी के लिए इनकार कर दिया, पर अब मुझसे बात ही नहीं करते। I'm sorry, Singham. It's okay, sir. Thank you, sir. सर, आप स्कूल के बच्चों को बाया मुड़ पीछे मुड़ कहते हो। बाया मुड़ तो मैं समझ गया, लेकिन पीछे मुड़ क्या होता है? वो भी ना मक्खी है। वो NCC का कमांड होता है। कमांड होता है, रिमांड और डिमांड सुना था, ये कमांड क्यों नहीं सिखा रहे पिंकी लाल? मक्खी, देर का टाइम हो गया, जल्दी से झंडा फहराने की तैयारी करो। ठीक है सर। किसने मेरे बेटे को मारा? किसने इसे मूर्खा बनाया? क्या बे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, तुम सारे लोग यहाँ गाना गा रहे हो? मैं इसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था ना, या तुम लोगों से पिटवाने के लिए भेजा था? किसने तुम्हें मारा था मुझे बता। ये था, ये था, या फिर ये था? ये था क्या? पीछे पापा। क्या तू उधर जा? अरे इतनी हिम्मत की तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, उसे मुर्गा बनाया तूने? स्टूडेंट्स, अपनी अपनी क्लास में जाओ। बाहर निकल जाओ, ये पढ़ाई लिखाई की जगह है, बाहर निकल जाओ। कहा ना मैंने? ए, रोड लगी आ रहे। हेलो, पुलिस स्टेशन। Thank you.
जाए, लेकिन कस से मत नहीं होना चाहिए हमें, इतना भी पता नहीं तुझे। राष्ट्रीय झंडे के सम्मान में 1100 बच्चे और 50 टीचर सावधान खड़े हुए हैं और तू एक आवारा कुत्ते की तरह स्कूल में घुसा। माता पिता गुरु देवता समान होते हैं, ऐसे गुरु पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? किस देश के इंसान हो तुम? दारू पीने का चलन इतना हो गया है कि पार्टी के झंडे और राष्ट्रीय झंडे में तुम लोगों को फर्क नजर नहीं आता। आज गुरु से मार ना खाने वाला कल को क्रिमिनल बनकर पुलिस से मार खाएगा। आज स्कूल में मुर्गा ना बनने वाला कल को जेल में दूसरों के सामने मुर्गा बनेगा। मासूम बच्चों के दिल में भय क्यों पैदा करते हो? आदर्श बाप बनकर दिखाना। फिल्मों की तरह फाइट सीन खत्म होती पुलिस आ गई। स्कूल में आकर झगड़ा करते हो? उठ बैठ, गाड़ी में बैठ। अरे ये तो बता, इतनी बुरी तरीके से इसे किसने मारा है? मैंने। अरे तुम स्कूल मास्टर हो या कुश्ती के मास्टर? इतने बुरी तरीके से मारा? देखिए, उन्होंने पहले यहाँ स्कूल टीचर को मारने की कोशिश की। वो सब पहले चलकर बताना। मैं एक एनसीसी मास्टर हूँ, मुझे अरेस्ट करने के लिए मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर चाहिए या फिर एनसीसी बटालियन के कमांडेंट चीफ ऑफिसर। तुम चाहो एनसीसी हो या बीएससी, वो सब मैं नहीं जानता। उन्होंने तुमसे झगड़ा किया तो गाड़ी में बैठा दिया, तुमने उन्हें मारा है तो तुम भी गाड़ी में बैठो। ए आग की अंधी, तूने ही पुलिस को फोन करके बुलाया ना? अच्छा होता अगर उस दिन टीसी कटवाकर तुझे बाहर कर दिया होता। उन्होंने तुझ पर दया दिखाई, उसी बात का बदला लिया क्या? नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ। अरे तूने जानबूझकर किया है, एक बार सर को बाहर आने दे, तेरे मुंह पे बाल्टी मारकर भरतनाट्यम करवाऊंगा। रुक अभी आ। तुमने ही पुलिस को फोन किया था? सॉरी सर। स्कूल में इतने लोग चुपचाप खड़े थे तो तुमने ही फोन क्यों किया? वो क्या है सर, उन गुंडों की वजह से आपको कुछ ना हो जाए इसलिए मैंने सोचा। गुड, प्रॉब्लम के समय ऐसे खड़े रहने के बजाय हमें ऐसे इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द इंटेलिजेंस, आई अप्रिशिएट दैट। कीप इट अप सर। सर, हे, कैसे हो? हम ठीक है सर। मुझे क्यों सलूट कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, आप हमारे सीनियर हैं सर। अरे छोड़ो, अंदर आओ। यस सर। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे? सर, मेट्रो सिटी में हंगामा करने वाले मेंटल रवि को मैंने मार गिराया, इसलिए इमोशनल होकर आईजी ने मुझे प्रमोशन दे दिया और इस बैड सिटी के सारे गुंडों को तोड़ने के लिए मेरे हाथ में ये डंडा देकर मुझे भेजा है सर। अरे आप अचानक एनसीसी मास्टर कैसे बन गए सर? कॉलेज में पढ़ते वक्त मुझे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिला था। 21 दिन ट्रेनिंग के लिए नागपुर होकर आया और एनसीसी मास्टर बन गया। काव्या मैडम कैसी है सर? इंतजार कर रही है मेरा। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। काव्या। यस डैडी। ड्राइवर मुकेश बड़ी खुशी के साथ हमें सपरिवार अपनी बेटी की शादी में आने के लिए कार्ड देकर गया है, लेकिन मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरी बेटी की शादी कब है मुझे पता ही नहीं। वो सूर्या ने 6 महीने वेट करने के लिए कहा है मुझे। नो वे, हम अभी उसके घर चलते हैं। वो क्यों शादी नहीं करना चाहता, मैं सीधे उसके पापा से जाकर पूछता हूँ। आप क्यों? सूर्या को मैं खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। अरे पांडे जी, गाड़ी रोको। ठीक है सर। क्या हुआ काव्या? तुम्हारे सामने शादी की बात करना ठीक नहीं होगा। मैं और तुम्हारी माँ बात करके आएंगे, तुम दोनों घर जाओ। वहाँ की सारी वजह लाइव वीडियो पर देखनी है। ओके। ओके डैडी। ये लीजिए। नो थैंक्स। मेरे और मेरे परिवार का सम्मान करके रिश्ते की बात करने आए हो? क्या बोलूं, को समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों लड़कियां भी ना, जब से आई हैं लैपटॉप लेके बैठी हैं। दादी, ये लैपटॉप है। मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसी वजह से मैं अचानक चला आया। क्या बच्चों, फिल्म देख रहे हो? जी दादाजी। दादाजी क्या बात है, सारे लोग खामोश बैठे हैं। ये बताइए, आप अपने किराने की दुकान से सामान साइकिल से सप्लाई करवाते हैं या फिर वैन से सप्लाई करवाते हैं? रिश्ते की बात करने आई हो कि सामान खरीदने आई हो? हैं? वो सभी शांत बैठे हैं ना, इसलिए फिलअप करने के लिए। दीदी जी, जो आइडली क्यों खड़े हैं? कुछ बोलने के लिए बोलो ना। वहाँ तुम क्या कर रहे हो, कुछ बोलो तो सही। मैंने सब कुछ बोल दिया है। पता नहीं मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा है। देखो तुम, डोंट मेक मी फूल। सूर्या, तुम तो वहाँ दादी के बाजू में ही खड़े हो। मैं देख रही हूँ तुम्हें। कैसे, कहाँ से? माँ वहाँ से लाइव टेलीकास्ट कर रही है। माँ मोबाइल से लाइव टेलीकास्ट करा रही हैं, आप इसे बंद करवाइए। ये लीजिए। आई एम लिटिल बिजी, मैं बाद में लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं, ले लीजिए। बस मेरा बेटा अगर पुलिस की नौकरी में ही होता तो इस रिश्ते को हंसी खुशी स्वीकार कर लेता मैं, लेकिन अभी उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। इसमें क्या है, इंडिया साइकिल्स की तरह इंडिया ट्यूब्स के नाम से मुंबई में एक कंपनी खोलकर दमाजी को वहां बैठा देंगे, 100 लोगों को और नौकरी मिल जाएगी।
ऐसी ही बातों से मैं डरता था। अगर वो मेरी बात ना मानने वाला बेटा होता तो ठीक था, इसे मेरा ही बेटा रहने दो। मैं समझा नहीं, आप लोग यहां तक आए बहुत आने। माँ मुझे नाराज हो आप। किसी ने भी साथ नहीं दिया तो मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। बस कुछ दिन और माँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ अजूके? थोड़ा संभल कर आ सकते थे ना। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा एक्सीडेंट। मेरे गाने के बीच में कौन भौंक रहा है सर? नाच रहा है कोई खास यार। इनकमिंग सर, दीवानेपन में डांसिंग सर। कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, रविवार सोमवार हो गया है सर। जंग लगे इस दिल के थिएटर में एक हसीना ने एडवांस बुकिंग कर लिया सर। आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। पता है वो कैसे दिखती थी सर? वो रही हसीना सर, ध्यान से देखिए, अरेबियन घोड़ी है सर। घोड़ी को आपने टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जू में देखा होगा और तो और रेस में भी देखा होगा, लेकिन घोड़ी को कभी चूड़ीदार में आते देखा है? दिल तो करता है इसकी पीठ को निचोड़ दूं। पीलू जीलू, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सर कहां गए? मेरे पहले वो चले गए। हाय हाय, क्या हुआ काव्या? तुम यहां? I didn't expect you to... वो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। अरे बाप रे, मैंने कैसी मुसीबत मोल ले ली। काव्या कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं तो? जरा सा भी नहीं। अगर तुम इतना बड़ा काम छोड़कर यहाँ आए हो तो जरूर कोई खास कारण होगा। तुम्हें वो मुझे बताने की जरूरत नहीं और ना ही मैं पूछूंगी। क्यों? Because I love you. I love you so much. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणम् त्वमेव त्वमेव देव मम देव। दूसरी बार बोल रहा हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणम् त्वमेव त्वमेव देव मम देव देव। रुकिए, बच गया। इतना खींचने पर भी पैंट नहीं उतरी। वो चले गए, मैं भी चला जाता हूँ। भाई हम लोग तैयार हैं, रात को माल उतर रहा है ना। अभी तक डैनी की तरफ से कोई फोन नहीं आया है, बस आने ही वाला है। ठीक है भाई। भाई ये डैनी कौन है? मुंबई में हमारे भाई किंग हैं। वैसे तो वो पूरी दुनिया के डॉन हैं। खुद के जहाज में माल डालकर हर एक देश में सप्लाई करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पता है? तो अपने देश में क्यों आए हैं भाई? अबे ओए, वो 12 साल से किसी भी देश की जमीन पर नहीं उतरे हैं। वो जहाज में ही बिंदास इंटरनेशनल बॉर्डर पर घूमते रहते हैं। यही नहीं, कई मुल्कों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। उन्हें देखा तो समझो साक्षात यमराज को देख लिया। Australian cop, you try to catch me? You see, one day I'll come to Australia and start my drug business. No, never. Even if we die, we won't let you into Australia. After you die, how can you stop me? King of the Indian Ocean! डैनी का फोन आ गया है। भाई माल कब उतरा? आज अलीबाग में उतरने वाला है। सर अली पांडे कहाँ लगी ड्यूटी? अलीबाग में मैं ड्यूटी कर रहा था सर। तो अचानक डीएसपी ने फोन करके आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, सीधे थाने चले आओ कहा, इसलिए मैं वापस आ गया सर। ओ ओके। हेलो बोलिए सर। सहाय घर पर है, जरा देख कर बताना मुझे। क्या हुआ सर? एक पंगा है, देख कर बताना सर। वो काला टकला घर पर नहीं है सर, शायद समंदर में डुबकी लगा रहा होगा। ठीक है, नमक की सारी बोरियां गाड़ी में लोड हो गई ना, मैं गाड़ी लेकर चलूं। अरे बहुत भारी है। चलो मिला रहे, जल्दी ला रहा हूं। चलो जल्दी ला रहा हूं। अरे फटाफट उठा, आए क्या कर रहा है? चल ए सामान के कार भाई, भाई चल को नीचे। क्या कर रहे हो आगे? हां चलो चलो। अरे भाई यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? पिछली बार गड़बड़ हो गई थी ना, इसलिए तुम काम चालू रखो। चलो ब्राउन
शुगर। बाल कड़क है भाई। सुन सर, मुझे अपने एरिया के चर्च के फादर से इंट्रोड्यूस करवा देगा, मुझे उनसे कुछ काम है। दरअसल वो आदमी किसी काम का नहीं है सर, फटे पुराने नोट की तरह, जाने दो। ओए, फादर से तेरा क्या पंगा है? एक दिन उनकी चड्डी से मैंने अपनी साइकिल साफ की थी। तो ठीक है, किसी दिन उनसे मिलकर माफी मांग लेना। माफी मांगने से क्या फायदा होगा, वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे क्या? कैसा है तुम, तुझे मार देने को तैयार नहीं है? सर, मैं सानिया बोल रही हूँ सर। स्कूल टाइम पे फोन क्यों किया? सर, मैं स्कूल आ रही थी तब कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। क्या? सैंडर्स रोड के चर्च के पास हूँ सर, जल्दी आ जाइए ना प्लीज। मुंबई में तीन तरह की क्लाइमेट होती है, पहली धूप होती है, दूसरी बहुत धूप होती है, तीसरी भयंकर धूप होती है। इसलिए पाइल्स वाला बहाना मेरे सामने मत बनाना, समझा? क्या हुआ सर? तो किडनैपिंग का केस है सर, हम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दे सर। ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो। हाँ, मैं ऊपर जा, जैसे पुलिस आ जाए तुम उन्हें लेकर आ जा। ठीक है सर। अपनी गन दो मुझे। सर गन कैसे? मैं होगा गन दो ना। ओके, कोई है क्या वहां? क्या हुआ सानिया? ए, तुम शांत क्यों हो? आर यू ओके? किसी ने किडनैप किया था ना, पहचान सके उन्हें? सर नहीं सर, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया, मैंने क्या झूठ बोला? इडियट, क्यों झूठ बोला तुमने, बोलो। आपसे अकेले में बात करने के लिए। अकेले बुलाकर क्या बात करनी थी? क्या बात करनी थी? I love you sir. Idiot, stupid. पागल हो गया तुम? मैं तो घबरा ही गया था ना, तुम्हें जरा से भी अंदाजा है कि अब तक ये खबर पूरे शहर की पुलिस पोस्ट तक पहुंच चुकी होगी। वहां देखो, पागल। चेन उतार कर दो मुझे, जल्दी चेन उतार कर दो। पुलिस ये कह रहा कि किडनैपर चेन लेकर भाग गया। अच्छा हुआ तू सही सलामत घर वापस आ गए। कौन बाबा, किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे घर की लड़की को हाथ लगाया? वो अपने शहर का तो नहीं होगा। चाहे कोई भी हो, छोड़ना मत उसे। देखो जगत, जल्दबाजी मत करो। नहीं भैया, गोल्डन शिपिंग की फैमिली को किसी ने हाथ तक लगाया तो उसकी सांस रुक जाएगी, ये दिखाना है। सैंडर्स रोड पर 11 बजे से 12 बजे के बीच कौन कौन बोट लेकर समंदर की तरफ गया है उन सबसे पूछताछ करो। उसके हाथ पैर काट कर कंटेनर में डालकर दमनदीप में फेंकवा देना। पुलिस में जाने की बात रेस को पता नहीं चली चाहिए। ठीक है सानिया, मुझे उस एनसीसी मास्टर से मिलना है जिसने तुम्हारी मदद की है। वो चाचा जी। बुला उन्हें। जी। गुड मॉर्निंग सर, एमडी साहब अभी समंदर में है। ये सब एमडी साहब के फैमिली के व्हीकल्स हैं। वीकेंड्स में फैमिली के साथ एमडी साहब शिप पर ही रहते हैं। सर कॉफी, चाय या गुड़? गुड मॉर्निंग सर। आइए सर, चाचा जी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। सूर्या सिंह, दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वो पुरानी बात है, अब सिर्फ एनसीसी मास्टर। ओह, प्लीज सिट डाउन। यस, थैंक्स। हैव अ ड्रिंक? नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। आओ ना माँ। सर, वो मेरे पापा है, वो मेरी मामा, ये माँ और ये चाची। जी, असिस्टेंट कमिश्नर टू एनसीसी मास्टर, कैसे? नहीं सर, मेरे पापा को पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है, उनका दिल ना दुखे इसलिए मैं रेजिग्नेशन देकर इस शहर में चला आया। ये लीजिए, खाइए ना। नहीं नहीं, थैंक यू। ये ताजी मछली है, खाइए ना। नहीं माँ जी, हम नारायण भगवान की पूजा करते हैं इसलिए हम मांस मछली नहीं खाते, मेरी माँ ने मुझे कहा था। माँ बाप की बात बहुत मानते हो?
वही तो सब कुछ होते हैं ना सर। अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर किनकी बात मानेंगे। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। मैं आपके कुछ नहीं नहीं, थैंक यू। इनफैक्ट आपने मुझे बुलाया, मुझे खुशी हुई। आई टेक योर लीव सर। चलता हूँ। चलता हूँ। नमस्ते चाचा जी, मैं नहीं छोड़कर आती हूँ। आप आए, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी फैमिली में आप सबको बहुत पसंद आए। आप भी तो उनके साथ इमीडिएटली मर्ज हो गए। मर्ज वगैरह की बात करके मक्खन लगाओगे ना तो तुम गायब रख के। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कभी इश्क विश्क नहीं हो सकता। कीप दैट इन योर माइंड एंड चेंज योर एटीट्यूड। हेलो सिंगम सर, मैं मुंबा देवी के दर्शन करने आया हूँ। थोड़ी देर में मुझसे मिल सकते हो? विद इन एन आवर आई विल बी देयर सर। गुड मॉर्निंग जगतराज जी, नाम मिस्टर सूर्या सिंघम, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ मुंबई। अभी उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है पता करके बताओ। सर, मुंबई में हथियारों की तस्करी नहीं बल्कि ड्रग्स की तस्करी हो रही है। मुंबई के वेस्टर्न एरिया को पूरी तरह से हब बनाकर रखा है। ये क्या कह रहे हो? पूरी मुंबई में एटलीस्ट 250 कॉलेजेस हैं और 850 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं सर। एक कॉलेज के अगर 10 बच्चे और एक स्कूल के अगर 5 बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं तो एक साल में 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है सर। एक स्टूडेंट अपने नाखून में भी रख के उसका इस्तेमाल कर सकता है सर। उसके पेरेंट्स को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। एडिक्ट और बीमार होकर जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तभी पेरेंट्स जान पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में कई जगहों पर ड्रिंक पार्टी करने के बजाय ड्रग पार्टीज करने का कल्चर जोर शोर में चल रहा है सर। इसमें परेशानी वाली मुख्य बात है नाबालिग लड़कियाँ जो इसकी चपेट में आ रही है सर। तो तुम्हारे कहने का मतलब है सारे अधिकारी सो रहे हैं? नहीं सर, कई ड्रग पार्टीज में छापा मारा जा रहा है और अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन वो पूरी सप्लाई का 5% भी नहीं है। जब इतनी छानबीन कर ही ली है तो फौरन चार्ज क्यों नहीं ले लेते हो? अगर अभी चार्ज लिया तो सिर्फ भाई और सहाय को ही मैं अरेस्ट कर पाऊंगा। पक्के सबूत के साथ कि कहां कहां से ड्रग्स आता है, कौन कौन उसे सप्लाई करता है और किस किस को ये बेचा जाता है, जब तक ये डिटेल्स मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं चार्ज नहीं लूंगा सर। पूरे गिरोह को अपने हाथ में दबोच कर पकड़ना है सर। फ्यूचर में भाई और सहाय के खिलाफ हम जो कदम उठाने वाले हैं उसमें जगतराज भी हमारी हेल्प करेगा ऐसा मुझे लगता है। ये जगतराज कौन है? वो यहाँ का नंबर 1 बिजनेसमैन है। आपने सूर्या सिंघम के बारे में जो डिटेल मांगी थी वो मिल गई है। 100% ही इज नॉट इन द डिपार्टमेंट। उसकी सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ इंक्लूडिंग पेंशन बेनिफिट सब सेटल हो चुका है। ओके, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सुबह लड़कों की परेड है, वृंदावन होटल से नाश्ता मंगवा देना। हाँ ठीक है सर। अरे ये स्कूल टाइम पर कहाँ जा रही है जरा पूछो इसे। ए सानिया, कहाँ जा रही हो? नहीं बताऊंगी। तुम नहीं बताओगी तो क्या न्यूज चैनल वाले बताएंगे? सर को बताओ कहाँ जा रही है। मैंने स्कूल आना छोड़ दिया है, टीसी लेने की एप्लीकेशन देने आई थी। टीसी किस लिए? एक स्टूडेंट टीचर से प्यार नहीं कर सकती, ऐसा एनसीसी मास्टर ने कहा है। अब तो मैं स्टूडेंट नहीं रही, तो प्यार तो कर सकती हूँ ना। पहले ये बताओ तुम प्यार किससे करती हो? अरे अपने एनसीसी मास्टर से ही। क्या बक रही हो? क्या बक रही हो? क्या बोल रही हो? स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो। आज फरवरी 14 है, मेरी तरफ से सर को विश कर देना। छोड़िए ना सर, उम्र रहते लड़की पड़ती है, उम्र ढलते शुगर बढ़ती है, आम बात। ये मक्खी तू ना जाने दीजिए ना, समझती नहीं सीन, बजाती है अपनी बीन। प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगी सर। कुछ गलत कहा तो कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, थोड़ा नरमी से बात करनी पड़ेगी। अब तू किसी के सामने उल्टी मत कर देना। मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूँ सर। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरे। किसकी हिम्मत जो मुझे हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोले? अरे ओ टीचर जी, मैंने आपको फूल नहीं मारा। मैं जानता हूँ आप एक पारिवारिक प्रोडक्ट है, आपकी शादी होगी, आपके 3 बच्चे, नहीं नहीं आपके 3 बच्चे हैं। मैं जानता हूँ आपको कैसे फूल देते हो मैडम। को मैं वो माता चपिता, को मैं वो, को मैं वो बंधु चचा का, को मैं वो विद्या, को मैं वो देव, को मैं वो देव। छोड़ना, छोड़ मेरी सारी मेरी शादी होगी, सारी सारी का क्या, छोड़ को मैं वो। चलो अच्छा हुआ, अफ्रीकन मादा गोरिल्ला मुझ पर तांडव करने वाली थी, मैं बच गया। चलो चलो सर, स्कूल की छुट्टी कर दे रहे हैं। क्यों? शहर में चारों तरफ बबल मचा है। क्या हुआ? कल उस सहाय और सत्येंद्र के बीच दारू के नशे में बियर बार में झगड़ा हुआ था सर। उसके बाद लड़के ने सहाय की जात का नाम लेकर गंदी गंदी गाली दी सर। फिर सहाय ने धमकी दी सर कि उसकी बहन को उठाकर रात भर उसके साथ बलात्कार करेगा। अब उसकी बहन को उठा भी लिया है सर। तू किसी से कुछ मत कहना, मैं संभाल लूंगा। सर सर, एक लड़के को भी काट। इंस्पेक्टर पांडे, कोई जाति विवाद हुआ है क्या? हाँ सर, दोनों ग्रुप को कलेक्टर ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया है सर। क्या हुआ सिंघम, मुंबई में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? चबाते
बेटी को किडनैप कर लिया सहाय ने। तुम्हारी बेटी को सहाय ने उठाया तो इसके बेटे को तुम्हारे आदमियों ने क्यों मारा? ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर 6 बजे तक लड़की वापस नहीं आई तो इतने लोगों के लाइसेंस के साथ रिवॉल्वर ले रखी है, अगर शुरू हो गई ना तो शहर का एक एक आदमी मारा जाएगा। सर महारी क्या हो रहा है? ओके इन दोनों जात वालों ने अपनी झूठी शान के लिए पुलिस के 8 लोगों को पीटा जो अभी भी अस्पताल में सीरियस पड़े हैं। सर एसपी ऑफिस की मीटिंग में हूं सर, बाद में बात करता हूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, फोन को पॉकेट में रखो। सर जो कह रहा हूं करो। आगे क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी तो एक काम करो, सब लोग अपने अपने घर जाओ, खाना खा के आराम से सो जाओ, शाम को आना, तब लाशें गिन के देखेंगे कितने लोग मरे हैं। सर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। ये क्या कह रहे हो? डीएसपी का चार्ज ले रहा हूं सर। पुलिस? You mean now? हाँ जी सर, और कोई रास्ता नहीं है। This is the time सर, posting order एसपी ऑफिस में फैक्स कर दीजिए। 6 बजे तक लड़की को रेस्क्यू करके आपको रिपोर्ट करता हूँ सर। ओके। ओके, तुम पुलिस लेकर अपने एरिया में जाओ। डैनियल, बाबू, पांडे, चाली, सहाय के लोग कहाँ कहाँ हैं? मुझे तुरंत फोन करके बताओ। ओके सर। I'm Surya Singham, Deputy Superintendent of Police, specially appointed by Home Minister for the communal clash. Sir, DGP office se posting order aaya hua sir. No fail. Itne dino tak off duty mein tha. Surveillance kar raha tha sir. Eight charge. Sir, aaj jaisi meeting collector office mein hui thi, yahan bhi turant ek meeting arrange karni hogi. Carry on. Boss! सर, इस प्रॉब्लम को भड़काने वाले दोनों तरफ के लोग जब यहाँ जमा हो जाएं तो तुरंत ही 3 घंटों के लिए हंगामा करने वालों को यहीं पर ब्लॉक करना होगा। मोबाइल फोन सिग्नल्स को जैमर लगाकर ऑफ करना होगा। कम्युनिकेशंस करते ही आधा हंगामा थम जाएगा। विंसेंट, सर, समुद्र किनारे के लोगों को सपोर्ट करने के लिए समुद्र के रास्ते से कोई नहीं आना चाहिए। कोस्ट गार्ड को तुरंत अलर्ट कर दो और 2 बटालियन पुलिस को बोट लेकर समुद्र में राउंड अप करने को कहो। व्यापारियों को सपोर्ट करने के बहाने हंगामा करने वाला शहर में नहीं घुसना चाहिए। NH3, NH8, पुणे हाईवे, नासिक हाईवे, सब जगह चेक पोस्ट लगाकर ब्लॉक कर दो। 6 बजे से पहले किसी को अंदर मत आने दो। लड़की को आखिरी बार यही देखा गया था सर। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। एसपी ऑफिस में सभी बदमाशों को बंद कर दिया गया है सर। मैं मडगांव में हूँ सर। कितनी बोट समंदर में काम करने गई है देखकर मुझे तुरंत फोन करो। ठीक है सर, ठीक है। चाहे कुछ भी हो हम सबको देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है, मैं जो बोल रहा हूँ सर। 144 इंप्लीमेंट करने की इंस्ट्रक्शंस दे दो। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बाबू, पांडे और जॉन तीनों यहाँ पर है सर। बाकी के 12 लोगों के फोन नंबर लेकर मुझे तुरंत SMS करो। 12 लोगों में से 7 लोग मिसिंग है सर। 5 लोगों का फोन बज रहा है लेकिन उठा नहीं रहे। फोन ऑन करके अननोन नंबर नहीं उठा रहे, इसका मतलब कि नो नंबर ही उठाएंगे बोलो। सर, आपने जो 5 नंबर दिए थे वो अभी पनवेल के टावर रेंज में ही है। सर, पनवेल सेंटर यही है। सर, वो रहा राज होटल और वो रूबी होटल। पंगा होने पर किस होटल में रूम बुक करते हैं? मोबाइल फोन सिग्नल जैमर ऑन करके आसपास के सारे सिग्नल जैम कर दो। अच्छा, अब लैंडलाइन से उनके नंबर पर फोन करो। यस सर। लाइन नहीं जा रही सर। यस। ये राइट साइड के सारे रूम चेक कर लो। यस सर। और आगे भी चेक कर लो। 6 लोग ने चाबी दिया, 6 लोग ने नहीं दिए। सर, सारे रूम चेक किए हैं, सस्पेक्ट कहीं दिखाई नहीं दिया। 6 लोगों ने चाबी नहीं दी, उनके रिकॉर्ड दिखाओ। 406 कब बुक हुआ था? आज सुबह ही सर। वो रूम तो बाहर से लॉक है सर। क्यों? बाहर से लॉक करके अंदर भी तो रह सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में हर एक अक्यूज का मोबाइल नंबर डाल करके रखना। जी सर। और सब एक साथ फोन करना। ओके सर। जैमर ऑफ। यस सर। सबके पास एक ही नंबर से फोन आ रहा है।
सुधारने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर आए थे। स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन बनाने के लिए स्कूल में एनसीसी मास्टर बनकर ज्वाइन किया। सर क्या बता सकते हैं किस तरह से आपने इन्हें बचाया? ड्रग्स माफिया की बेवकूफी। सर सर यहां सर इंटरव्यू सर प्लीज सर प्लीज सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एंड द ईयर 2013 आवर टारगेट विल बी सिंघम इज बैक। ओह एक्सक्यूज मी वो अब डीएसपी बन गया है। ओह रियली वाओ। अभी अपने सारे दोस्तों को ट्रीट देने जा रही हूँ। माँ तुम भी आ जाना। okay, ठीक है। बाय। My son-in-law has become deputy superintendent of police. अब से काव्या सब्जी खरीदने भी सायरन वाली गाड़ी में ही जाया करेगी। क्या कहा? सुना नहीं? जोक कर रही हो? बस यूं ही। गुड मॉर्निंग सर। अरे पेटू दादा। सर जब आप स्कूल में थे आपसे बदतमीजी की थी ना, वो ऐसा ही दरवाजे पे खड़े होके आप ही को घूर रहा है सर। उसे ऐसे ही भगा दूं या हमारे पुलिस स्टेशन में ही रखना है सर? अरे पांडे तुम्हें 10 सोर मिलेंगे, 10 कुत्ते के पिल्ले मिलेंगे, शायद 8 गधे भी मिल जाएं, लेकिन इस तरह का बछड़ा कहीं नहीं मिलेगा। इन्हें जहाँ छोड़ो वहीं चलेंगे, जितना खींचो उतना ही खिसकेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस का तो पता नहीं होता, लेकिन गलती पर सीधा रिएक्ट करने वाले ऑफिसर्स होते हैं। अंदर भेज दो उसे। करीम सर बुला रहे हैं। सर जिस पुलिस वाले ने गलती की उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, आप किस काम से आए बताए बिना? स्कूल के बच्चों को सुधार रहे, ऐसा इंटरव्यू दे रहे हो, आपका आइडिया क्या है? जाने अनजाने में ऑब्जर्वेशन पूरा होने से पहले ही अचानक चार्ज देना पड़ा। भाई के लोग मुझ पर नजर रख रहे होंगे, मुझ उन्हें राह से भटकाने के लिए बस यही एक रास्ता था। करीम तुम साथ में रहना। यस सर। करीम भाई क्या हुआ, होंठ फैल गए, आंखें फटी पड़ी है, पछतावा हो रहा है क्या? आज तक किसी बड़े अफसर ने कभी मुझे इस तरह से सम्मान नहीं दिया। ओ। लेकिन इन्होंने मेरा मान रखकर सारे प्लान मेरे ही सामने बता गए। इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर सूर्या सिंघम इज अ पुलिस ऑफिसर। होटल के ओपनिंग के इनविटेशन छपकर आ गए हैं सर। मैं एक दिन पहले ही इंडिया आ जाऊंगा, तब तक सभी को इनविटेशन भेज दो। सर सर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है सर, सर मेरी बात सुनिए। ये क्या कर? ओपन बार है तो स्टूडेंट्स को भी दारू पिलाएगा। इतना सोचूंगा तो धंधा नहीं हो पाएगा, वो खरीदते हैं तभी बेचते हैं। बाजुओं में हजारों का बल झुकता जिसे देख ये साहब को मेरा
नमस्कार। पुरानी कोई बात अपने दिमाग में मत रखिएगा साहब। आप जैसे शेर के सामने मैं तो तैयार हूँ साहब। फिर करो। अरे साहब ने मुझे माफ कर दिया, साहब ने मुझे माफ कर दिया। मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया। बोलिए ना बाबा। बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई। है चाल मदमस्त गज सम की हिल जाए भूचाल से ये धरा। सारे तेरे जमाना भाई की वजह से ही हो पाई है। चिंगारियां फूटती धमनियों में है ऐसा लहू ये भरा। सर आपके चेहरे पे मूछें ऐसी लग रही है जैसे शेर शिकार पे हो सर। तुम भी सच्ची सर? नहीं नहीं। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? सर गुजराती का भेष बदल कर घूम रहा था इसलिए पकड़ लाया। ए कौन है तू? ए बाया मोड़, पीछे मोड़। अरे मक्की। अरे सर आपको भी मारने के लिए बंपर ही मिला था। तुमने सही बदला हुआ है। हां इसे इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? किसने? इन्होंने। क्या पकड़ा था मैं जानता हूँ। सभी लोग बोलते हैं ऊपर वाला भला करेगा, ऊपर वाला भला करेगा। एंड आई डिड समथिंग डिफरेंट। ऊपर वालों भलू करशे, नीचे वालों भलू करशे। ये सुन के इन लोग ने मेरे को पकड़ लिया। hey, ये अपना ही आदमी है, जाने दो इसे। हाँ। तुम घर जाओ। अरे अब मैं किसके घर जाऊं? मैंने इस आय को पकड़वाया ये समझकर उसके लोग गुस्से से चाकू और तलवार लेके मेरे पीछे पड़े। पिछले 10 दिनों से कभी काली माता के दरबार में, कभी कचरे के डिब्बे में, कभी कुत्तों के साथ डर डर कर जी रहा हूँ। रहने के लिए कोई सेफ जगह बताइए। मुंबई में तुम्हारे लिए खतरा है, तुम ऐसा करो दिल्ली चले जाओ। दीदी से मैं बात कर लेता हूँ, तुम वहाँ तो रह लोगे ना? 3 वक्त का खाना, 2 वक्त की बियर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए ओके सर। ओए सॉरी सर, भावना में बह गया था। सर स्कूल से पगार मिलते ही यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। मैं 1 हफ्ते तक यहाँ रुकूंगा, तब तक मेरी सेफ्टी के लिए पुलिस वाले भेजोगे क्या? थोपड़ा देखा है क्या? नहीं नहीं ठीक है सर, गुलेल से काम चला लूंगा। सॉरी 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 सर, सॉरी सर, बताना पेट छे के इंडिया गेट छे? कुल मिलाकर 15 लड़के, सभी 11वीं 12वीं के ही हैं। एक भी लड़के के पास लाइसेंस नहीं है, क्या करूं सर? गाड़ी जमा करके इनके पेरेंट्स को बुलाओ। क्या हुआ? मैंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया है, यही बताने आई थी। गुड, अच्छा हुआ जल्दी समझ गई। सॉरी सर, एक स्टूडेंट टीचर से प्यार नहीं कर सकती ये बताया था आपने, लेकिन पुलिस अफसर से प्यार नहीं कर सकती ये तो नहीं कहा था। जब से आपने पुलिस यूनिफॉर्म पहन लिया, मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया। देखो सानिया, तुम जो महसूस कर रही हो वो प्यार नहीं है, इट्स आफ्टर ऑल इन्फैटुएशन। हमें अगर कोई अच्छा लगता है तो हम उसे पसंद करने लगते हैं, उसे तुम प्यार समझ के कंफ्यूज मत हो। तुम्हारी फैमिली का इस शहर में अच्छा नाम है, प्लीज उसे खराब मत करो। ओए पुलिस की बात माना करो। थैंक्स फॉर योर एडवाइस, लेकिन आपने जो भी कहा वो मेरे भेजे में बिल्कुल भी घुसा नहीं। सॉरी सर। सर सारे स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट के लोगों को देखते ही तितर बितर हो रहे हैं, पर ये अकेली स्टूडेंट आकर सीधे डीएसपी से डीलिंग कर रही है, उसे आप कैसे डील करने वाले हो? तुम जाकर ट्रैफिक से डील करो। दिस इज कॉल्ड नाइंस ऑफिसर। इजी इजी इजी। सुनिए मैडम, उस पुलिस वाले से आप क्या बात कर रही थी? लवर्स के बीच हजारों बातें होती है, तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या कहा लवर्स? बदसूरत काला बैंगन कहीं का, चल हट। मैडम काव्या, follow me. वो जगत राज है ना? जी हाँ सर। कार इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है? सर नमस्ते। चलो जल्दी बोट चलाओ। आए ना सर, जल्दी उस बोट को फॉलो करो। जी सर। इसके आगे हम नहीं जा सकते, वहां भाई का जहाज खड़ा है सर। भाई का? तुम्हारे पास दूरबीन या टेलीस्कोप है? हाँ। सर। ए, बोट घुमा, जल्दी घुमा सर, वापस चलते हैं। We'll be right back.
एक पुलिस वाला खुद को मास्टर बताकर सभी को चकमा देकर इसी शहर में घूमता रहा और इस सब पर ध्यान दिए भी नहीं साले ने। एक लड़की को किडनैप करके पंगा खड़ा कर दिया। ओए, मैं और भाई किस लिए दुश्मन बनकर शहर भर में घूम रहे हैं? हमारा धंधा दो नंबर का है, इस धंधे में भले ही हम फंस जाएं, मगर आप पर आंच नहीं आनी चाहिए। पता है ना कितना रिस्क लेकर हम यहाँ ये बिजनेस कर रहे हैं। बात सुनो, हमने भी 10 दिनों तक पूरी छानबीन की है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट स्कूल के बच्चों के पीछे ही भाग रहा है, इसलिए हमारी बात उसे पता चलने का कोई मतलब ही नहीं होता। उसके आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यह है ना अपना सहाय। मुझे से टुच्चे को आपने 12 लांच का मालिक बनाया, आपके लिए तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। कहाँ पर है सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं है हरे पांडे, सब लोग वापस थाने आ जाओ। ओके सर। 10 दिन तक जकार्ता में मीटिंग अटेंड करके डील साइन की मैंने, बाकी दिन डैनी के साथ शिप पर था। अपना सारा हिसाब किताब करके मैंने सारा पैसा डॉलर्स में सेटल कर दिया है। हाँ भाई, टुमारो डैनी इज कमिंग। क्या बात कर रहे हो? मेरे होटल की ओपनिंग पर आ रहा है। पर कोई नेता आने वाला था ना? डैनी सुबह फंक्शन पर नहीं, रात को पार्टी पर आ रहा है। सहाय, तुम खुद ही जाकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर उसे पिकअप करके आओगे, ठीक है? जिस जगत राज को हम सीधा साधा समझ रहे थे, वही उन गुंडों के ग्रुप का हेड निकला। 8 महीने की इन्वेस्टिगेशन वेस्ट, प्लान चेंज करना होगा। वो क्यों सर? इस खेल को पहले सहाय से ही शुरू करना होगा। अगर हम उसे अरेस्ट करेंगे तो बाकी लोगों को शक हो जाएगा सर। ड्रग केस में अरेस्ट करेंगे तो शक हो सकता है, कुछ और सोचना होगा। सर, 6 महीने पहले पनवेल के डेविड को सहाय ने खून करके समंदर में फेंक दिया था सर, वो कंप्लेंट आगे ही नहीं बढ़ी सर। बस यही, इसी में हम कहती है डेविड आखिरी बार तुम्हारे साथ था, लाश कहाँ फेंकी अगर तुमने नहीं बताया तो डेविड का मर्डर केस तुम पर डालकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। बता देता हूँ सर। कल जगतराज के होटल की ओपनिंग है, सेंट्रल मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मुझे वहीं रहना होगा। करीम सर, तुम काली को समुद्र के बीच ले जाकर डेविड की बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करो। हरी पांडे सर, कल साय की तरह तुम सहाय का पीछा करते रहना। दामोदर सर, किसी भी बहाने से डेविड के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके लाओ। वो किस लिए सर? समुद्र से बॉडी मिलने के बाद वो सड़ी गली होगी, वो डेविड की ही है, इसे प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्ट। ओके सर। बैक टू पुलिस, बॉर्न एंड ब्रॉट अप पुलिस। गुड। और कितनी दूर जाना होगा भाई? अभी 4 किलोमीटर और जाना है सर। गाड़ी निकाल। हाँ भाई। सहाय अपने लोगों के साथ घर से निकल गया है सर। ओके। सर ब्लड सैंपल ले लिया सर। वेरी गुड। यस डैनी, आई विल बी इन मुंबई टू रिसीव यू। सहाय विल बी देयर टू रिसीव यू। ओके, सी यू इन द इवनिंग। करीम, जगह का पता चल गया है सर, गोताखोर छलांग लगाने के लिए तैयार है सर। ओके, कैरी ऑन। जंप। वो अपने लोगों के साथ समंदर की ओर जा रहा है। मंत्री जी जब तक यहाँ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस सर। जाने दो उसे। सानिया इधर आओ। पर मैं कैसे आओ ना। अरे निकाल निकाल, आराम से। डेविड ये कंफर्म है सर। पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटीज को शुरू कर दो। रात को एक प्राइवेट पार्टी रखी है, अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जनता की नजर में हमारी दोस्ती दिन की ही रहने दो। यस सर, डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेज दिया सर। ओके। सहाय का मोबाइल नेटवर्क से बाहर है सर, उसके नंबर पर एक डमी मैसेज भेज दो, सिग्नल मिलते ही डिलीवरी रिपोर्ट आ जाएगी। ओके सर। सहाय नेटवर्क में आ गया है सर। गनी सर, जेल प्लान वर्क, हार्बर वर्कर ट्रेन, सेफ्टी सेफ्टी, नो डाउट सेफ्टी। यस फॉर मी। गेट रेडी। रेडी सर। सर हम लोग बोट से आ रहे हैं सर। जल्दी आओ। सहाय बोट में आ रहा है सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। मूव। Thank you.
पुलिस फिशिंग हार्बर में इंतजार कर रही है। क्या कहा? वेलकम डेनी सर, वेलकम, ऑल दिस माय एरिया। भाई पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने वाली है, भागो वहाँ से। भाई डैनी भी साथ में है। डैनी कौन है पुलिस नहीं जानती, तुम निकलो वहाँ से। डैनी सर, पुलिस, पुलिस, पुलिस राउंड अप। व्हाई? यू नो अरेस्ट, आई अरेस्ट। व्हाट शुड वी डू नाउ? यू नो रन, आई रन। ओए साथ रहना, ओए गाड़ी निकाल जल्दी। Don't panic. अपन भाई का आदमी बताया ना? गाड़ी में डालो से। Who are you? What's your name? I am Michael Kong. What are you doing here? I work on the ships. Show me your passport. What are you doing with him? Sightseeing. Eating fresh fish, having fun. I don't want to see you with him again. Karim, sir. उन दोनों के पास वर्क परमिट और वीजा है, ये चेक करके आना जरा। यस सर। पासपोर्ट, योर पासपोर्ट। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल मुंह का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। सर, ऑलमोस्ट हमारे सारे गेस्ट आ चुके हैं। जगतराज। हाँ बोलिए भाई। डैनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। डैनी कौन है, जाने बिना पुलिस ने अरेस्ट किया है। मैं पुलिस थाने पहुंच रहा हूँ। भाई जल्दबाजी में आप डैनी को फंसा मत देना। ठीक है, मैं MLA MP से अभी बात करता हूँ। ए पुलिस,
तूने विदेशी में हाथ उठाया ना, एम्बेसी वाला तुझे देख लेगा। दूर क्या रहा है, यहाँ कोई नहीं चिल्लाएगा, समझ गया ना? हेलो, मैं एमएलए बोल रहा हूँ। डीएसपी है क्या? डीएसपी साहब एक मीटिंग में है सर। हेलो हेलो हेलो, कितनी बार फोन करूँ मैं राम नारायण बोल रहा हूँ। सहायक दो विदेशियों को तुमने अंदर कर रखा है ना, उन्हें जल्दी से छोड़ दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जब शहर में प्रॉब्लम होती है तो पीएम या मिनिस्टर को फोन किया है क्या? एक होंडे को अरेस्ट किया तो आप डायरेक्ट मुझे फोन कर रहे हैं? सॉरी सर, फोन रखिए। मैं वाशी का एमएलए बोल रहा हूँ। नेताजी नमस्ते, देखिए समंदर में पानी बराबर है ना। पहले डीएसपी को फोन दो। अरे डीएसपी तो चेन्नई में रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे नेताजी। मुझसे मजाक करता है? म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद जी को ही डीएसपी कहकर बुलाया जाता है ना। मुझसे मजाक करता है? मैं तुझे अभी बताता हूँ। पहले उसे बाहर निकालना है। किसे बाहर निकालना है? अबे उसी को जिसको पकड़ रखा है। इसका मतलब किसे पकड़ रखा है आप ये भी नहीं जानते? जरा मिल लीजिए। जगतराज, किसी की बात नहीं मान रहा है वो। उस कमीने को सिर्फ 10 मिनट के लिए थाने से बाहर निकाल दो। डैनी और सहाय को लॉकअप से मैं बाहर निकाल कर लाता हूँ। ओके सर, एक प्रॉब्लम है सर। सूर्या सिंघम। यस सर। मुझे तुमसे मिलना है, फौरन मेरे ऑफिस में आ जाओ। क्या बात है सर, लगातार फोन आ रहे हैं। हमारे प्लान के मुताबिक अब जगतराज इनडायरेक्ट रिएक्ट करने लगा है। उस दिन सहाय को लड़की के केस में अरेस्ट करने के बाद अगले दिन आराम से उसे जमानत पर छुड़ा ले गए थे। अब इतने लोग उछल रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना। आज रात को रिमांड में लेना होगा। पेपर्स रेडी करो, एसपी ऑफिस जाना है, उनकी फाइल्स भी ले आओ। सर ठीक है सर। ऐसा करो, लॉकअप की चाबी साथ ले लो। ओके सर। चलो रे, सर एसपी साहब बाहर गए हुए हैं, आपको वेट करने के लिए बोले हैं। बुलाया तो अर्जेंटली था, तुम अंदर वेट करो सर, मैं कंट्रोल रूम से पासपोर्ट चेक करके आता हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैरी ऑन। मेरा सर चकरा रहा है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ इनका लिंक है सर। हमारे लोग आ गए हैं। घंटी जारी पर कोई उठा नहीं रहा सर। थाने में आग लगा दी।
अर्जेंटली बोट निकालिए प्लीज। व्हाई? दो क्रिमिनल थाने से भाग निकले हैं, वो समंदर के रास्ते फरार हो रहे हैं। एसपी ऑर्डर के बिना बोट नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूं दो क्रिमिनल भाग निकले हैं। एसपी ऑर्डर, एमएलए ऑर्डर का रूल सिखा रहे हो मुझे? बोट निकालो। वी आर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यू आर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या बकवास कर रहे हो? जरा सी भी अक्कल नहीं है तुझे? कैसे ऑफिसर तुम लोग? दामोदर, ऐसा लगता है इन्हें सिखाया गया है। टाइम वेस्ट मत करो, सभी चेक पोस्ट पर जाओ। नीलकंठ, एक भी बोट जाने नहीं चाहिए। अपनी टीम के साथ चार्ज कर जाओ। राजेश, बस्ती में जाकर सहायक एक एक आदमी पर स्कूल किसको छोड़ना मत। ये सर को भी अलर्ट कर दो। गोली मारो। चलो। ओके सर। माइकल और लॉरेंस का घर मालूम नहीं साहब। जांच कराओ। इनको लेकर आओ। मुंबई का सबर्बन पूरा मेरे कंट्रोल में ही है। इस एरिया में अगर आपको कोई एक्शन लेना है ना, तो सबसे पहले आपको मुझसे परमिशन लेनी होगी। सर वही है सहायक की वाइफ। अबे आ, तू मुझे पकड़ेगा? मुझे पकड़ेगा? मैं अपने आप को जला लूंगी, जला लूंगी मैं अपने आप को। हाँ, सबको जला डालूंगी मैं। सर, तुम सहायक के घर पर क्या कर रहे हो? उसकी वाइफ को इंक्वायरी के लिए लेने आया था सर। उसकी वाइफ अगर तेल छड़क कर मर गई तो ऊपर तो जवाब मुझे देना पड़ेगा ना। पहले बंद करो ये सब। कल मेरे ऑफिस में आकर मिलना। क्या हुआ? गनी को शिप पे चढ़ा दिया। ठीक है ठीक है, तुम कन्याकुमारी पहुंच जाओ। मेरे कहने से पहले तुम वहां से वापस मत आना। ओके भाई, ओके भाई। कोई बात नहीं सर, खून बहुत बहने की वजह से मैं बेहोश हो गया। सर आपको बात करने उन दोनों को आपने पकड़ लिया ना सर? रिलैक्स कीजिए सर। कितने लोगों को चोट लगी है सर? सर क्या पुलिस वाले भी घायल हुए हैं? सहायक के साथ तो विदेशी कौन थे सर? पता नहीं सर। सर ऐसे डैनी, आर यू सेफ? आई एम सेफ जगत राज, बट नॉट ओके। I'm sorry. Sorry is not enough. Nobody has even had the guts to touch me. But he slapped me. Kill that police dog and tell me that you have buried him somewhere. Till then, I can't sleep. I will do. ये सब क्या हो रहा है? कल रात भर सभी पुलिस वालों की एनर्जी वेस्ट की है तुमने। पूरे शहर में हंगामा खड़ा करके पब्लिक को डिस्टर्ब किया है। I am taking disciplinary action against you. मैं तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड करता हूं। ईमानदारी से इस पे हाथ रख के बस ये कह दीजिए कि उन्हें भगाने में आपका कोई हाथ नहीं है। कहना क्या चाहते हो? कल रात भर पेशाब करने का भी समय ना निकालकर 40 पुलिस वाले पागलों की तरह शहर भर में दौड़ रहे थे। आपने ये तक नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस पुलिस वाले के हाथ कटे, पैर कटे, उनके बारे में जानने के बजाय किसी और की पार्टी में दारू पी के मजे कर रहे थे। इंसानियत के लायक नहीं तो सिंघम। Mind your language. सहाय की बीवी मिट्टी का तेल छिड़के उससे पहले तू उसकी गंध सुनकर मुझे फोन करता है। समंदर किनारे गाड़ी रुकने से पहले फूलती सांस में तू मुझे काम करने से रोककर मेरे आड़े आता है। जाने हो तुम लोग, क्या चल रहा है यहाँ? इसी देश के हो ना तुम लोग? क्या तुम्हें किसने नौकरी पर रखा? कल तूने डिपार्टमेंट के साथ जो धोखा किया है उसके लिए मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई की सड़कों पर तुझे दौड़ा दौड़ा कर काट डालता। याद रख, इस यूनिफॉर्म ने और इस देश के संविधान ने तुझे बचा रखा है। आंख में चोली खेल रहा है, डालूंगा। क्या हुआ? उन लोगों ने कहा था ना कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन तूने उनकी बात ही नहीं मानी। फिर उन्हें गुस्सा आया और वो लोग पुलिस स्टेशन को जलाकर भाग गए। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा बड़ों की बातें माननी चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट और पब्लिक भी यही समझती रहेगी कि कल का सारा हंगामा सहाय के लिए हुआ था, लेकिन वो नाटक, इंटरनेशनल क्रिमिनल, ड्रग डीलर, तुझको जो किलो के हिसाब से ब्राउन शुगर सप्लाई करता है ना, डैनी के लिए हुआ था। ये मैं जानता हूँ। क्या हुआ? डैनी का नाम सुनते ही भक भक करके भौंकने वाली जुबान अब लड़खड़ाने लगी। भाई तूने सीमा लांघ दी है, मेरे धैर्य को तोड़ दिया है तूने। पुलिस की नौकरी मेरे लिए पूजा जैसी है, पुलिस स्टेशन मेरे लिए मंदिर जैसा है, उसे तोड़ दिया तूने। अगर तू कानून तोड़कर डैनी को ले जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे थाने को चलाकर तू उसे भगा ले गया। अच्छा हुआ कि उसके पासपोर्ट को डिपार्टमेंट की फाइल में रखने के बजाय मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मेरी बात मान सिंघम, डैनी तोप के गोले की तरह है, छुएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बिखर जाऊँ तूने मुझे दिवाली का हल्का फुल्का पटाखा समझ कर क्या? गाँव छोड़ गाँव, शहर छोड़ शहर, देश छोड़ देश, एक एक को चुन चुन कर कुत्ते की मौत मारने वाला मैं। कहीं भी हो उसे उसी लॉकअप के अंदर डाल कर ही डालूंगा। फोन
मेरे वापस आने पर इस मुंबई शहर में एक भूचाल आएगा और जो भी मेरे हाथ लगेगा वो मारा जाएगा। लॉकअप से भागा इंटरनेशनल क्रिमिनल डैनी है। इट्स माय ऑर्डर। उस भाई और जगत राज को तुरंत अरेस्ट करो। उससे कोई फायदा नहीं होगा सर। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट केस के नाम पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। इन्हें संभालने के लिए क्लीन पुलिस नहीं चलेगी सर। हमें क्रिमिनल पुलिस बनना पड़ेगा। कानून ना मानकर गलती करने वालों को कानून से बाहर निकालकर उनके हाथ पैर पर गोली मारनी होगी या फिर गला काटना होगा। चार लोगों को बीच सड़क पर मारेंगे तो 40 लोग डरेंगे, 400 लोग सुधरेंगे और 4000 परिवार खुश होंगे सर। इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ बिजनेस करने वालों का हम साधारण कानून से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर तुरंत एक ऑपरेशन फॉर्म करके सहाय से लेकर ड्रग सप्लाई करने वाले डैनी तक सभी को अरेस्ट करना होगा सर। ऑपरेशन ऑपरेशन डी, एन ऑपरेशन बियॉन्ड रेगुलर रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज। Rule 1. Operation Commandant can cancel any police personnel from any district in Maharashtra. Rule 2. Operation Commandant will have the right to question any individual at any place, any time and any manner. Rule 3. The mode of operation will not be disclosed and known only to the commandant. Rule 4. Rule 10. The commandant is answerable only to the Chief Justice, Honorable Home Minister, Honorable Chief Minister of State. ठीक है, ये फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता। मैं सीएम से बात करके आता हूँ सर। एक और रिक्वेस्ट थी, किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में आप ये स्पेशल ऑपरेशन कैंसिल नहीं करेंगे, मुझे आपसे ये वादा चाहिए सर। मैं मुंबई में नौकरी करता हूँ, मेरा परिवार, रिश्तेदार और सारे यार दोस्त सभी लोग दिल्ली में रहते हैं सर। सभी कुछ भुलाकर मैं इस दलदल में उतरकर काम करना शुरू कर दूं, उसके बाद एक भी कदम पीछे लिया तो सिर्फ मुझे ही नहीं, इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हर इंसान को एक जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि ये गुंडे सर से लेके पांव तक जंगली हैं सर। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर रामनाथ, अचानक ऑपरेशन डी फॉर्म करना है क्या? कल का दिन विपक्ष के लोग, सहयोगी पार्टी के लोग विधानसभा में सवाल उठाएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? 8 महीने से एक पुलिस ऑफिसर को नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर बिना किसी तनख्वाह के ड्यूटी करवाई थी, वो क्या कानूनी दायरे में करवाई थी या फिर विपक्ष के लोगों से पूछकर करवाई थी? जो भी करना है सोच के कीजिए। वीर है ये, वीर है ये, वीर है ये, वीर है ये, शूर वीर महाबली, सूर्य सा ये तेज है, तो सितारे भी के सारे कोई ना है, इनके आगे ये झुका दे आसमां को जब ये चाहे खान दे। गेम है, गेम है, गेम हर और है। ये है ऑर्डर लेटर, ये है ऑपरेशन लेटर। भागता 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 हर चोर है, सिंघम इज द सिंघम, देखते इसे भागते सारे दुश्मन। सिंघम सिंघम इज द सिंघम, झगड़े फसाद इनके आते ही जाते थम। ऑपरेशन डी, की वर्दी वाले एक नजर जो देखे, लोग छोड़ देते इनके रास्ते, देखते ही इनको अपराधियों के होश उड़ जाते, देह कांपते। होशियार खबरदार कर दी है, कश्तियां शहर में लगा, नीचे वाओ भलू करशे, घर के अंदर की माताएं बहनें सब जल्दी घर के बाहर आ जाओ।
ऊपर वाला भला करेगा, भला करेगा। ऊपर वाला भला करेगा, कभी कभी नीचे वाला भी भला करेगा। सुनो माता, तुम महान हो, तुमने एक शेर पैदा किया है, वो बहुत दहाड़ता है, आपको उसकी याद आती है, आती आती है, मेरा पेट खराब है। देखो ना, ये तो सब सच बता रहा है। माते, आपके शेर पुत्र के घर पर एक मेहमान आने वाला है। अरे हाँ, वो मेहमान वाकई कमाल का हीरा है, वो आपके घर को आबाद करने आने वाला है। उसे पालतू तोते की तरह पालना, कबूतर की तरह खिलाना पिलाना, लेकिन कॉकरोच की तरह मसल मत देना। ये तो तोता कबूतर बोल रहा है, उसका दोस्त तो वेजिटेरियन ही होगा। माते, वो लड़का 4 टाइम चिकन बिरयानी खाता है, 3 टाइम मछली फ्राई खाता है, अंडा आप 4 रुपए का हो गया, इसलिए अंडे का सूप बनाकर उसका मूड खराब मत करना माते। अब दूसरे घर का बेटा ना समझकर अपने ही घर का दामाद समझकर सेवा करना, तो धनलक्ष्मी स्वयं आपके घर आकर गंगनम स्टाइल में डांस करेगी। Gangnam Style, op, 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 Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 수리아가 너무 싸게야. 아우. तुम सूर्या के दोस्त हो ना, मैं जानती हूँ। क्या हुआ, आरती क्यों रोक दी? माँ, ये सूर्या का दोस्त नहीं है माँ, अभी जो भैरू पे आया था ना, वही है ये। सिर्फ कपड़े बदल कर आ गया है, लेकिन माथे का चंदन मिटाना भूल गया। आरती उतारो ना, मजा आ रहा है। तुझे बड़ा मजा आ रहा है, अभी उतारती हूँ। मैंने चिकन बिरयानी मछली फ्राई खाने की लालच में भेज बदला था बस। तुम्हें मेरे बेटे ने भेजा है तो तुम्हें अपने बेटे जैसे नहीं समझूंगी क्या? लेकिन मैं देर से समझता हूँ, बुद्धू ना दीदी। एक मिनट, क्या है? आपका पति सुबह 9 बजे दुकान पर जाता है, रात को 12 बजे लौटता है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? मुझे पता है, मेहमान को इतनी बुरी तरह पीटा है तो मेजबान का क्या हाल होता होगा। मुझे तो मैं, रुक जा। ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले डैनी से लेकर हमारे पास लाने वाली लॉरी के नंबर तक उसको बताएं। लेकिन सिर्फ वो एक बात नहीं जानता कि हम दोनों साथ में मिले हुए हैं। उसके वो जानने से पहले उसे खत्म कर देना। मैंने फैसला कर लिया है, श्रीलंका से मैं एक शार्प शूटर को यहाँ पर बुलवा रहा हूँ। वो समंदर के रास्ते यहाँ आएगा और पलक झपकने से पहले ही वो सिंघम के बच्चे के परखच्चे उड़ा देगा। आने वाले को कोई भी पहचान ना पाए, उसके मोबाइल से लेकर उसके रूम की व्यवस्था और खाने की जिम्मेदारी अब सब कुछ आप पर है। ये रहा अलीबाग का कोस्टल एरिया, यहीं पर भाई के लोग आते जाते रहते हैं। ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बहुत दिनों से आपसे मिली नहीं हूँ ना, तो इसीलिए। सानिया, नहीं नहीं नहीं, वो मेरी चेन है ना आपके पास, वही वापस लेने आई हूँ, प्लीज। ए, तुम ऐसा क्यों करती हो? ये क्या हो रहा है? ये लो, अब जाओ यहाँ से। सर, चेन और आपका कोई ना कोई तो चेन लिंक है सर। मतलब? सबसे पहले काव्या मैडम भी चेन की कंप्लेंट लिखवाने आपके पास आई थी, आपको उनसे पूछना चाहिए था। नाइटी शर्ट की तरह उतारती हो या फिर बनियान की तरह ऊपर से उतारती हो? वो ना प्यार की शुरुआत थी और यहाँ प्यार परवान चढ़ गया। क्यों बे घोंचू? घोंचू? मैं? मैडम वो देखिए मैडम, उस दिन मैंने कहा था ना, लेकिन आप तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब देख लिया ना साहब के घर से कैसे निकली है वो। What's happening here? Hey, काव्या, कब आई तुम दिल्ली से? कौन थी वो लड़की और यहाँ क्या कर रही थी? कौन सी लड़की? जिसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। ओह, तुमने देखा नहीं क्या उसे? अरे वो तो मेरी स्टूडेंट है। स्टूडेंट? तुम तो यहाँ एनसीसी मास्टर हो, फिर वो तुम्हारे घर पर क्या कर रही थी? नहीं नहीं, क्या क्या, कहाँ जा रहा है भाग के, यहाँ सिचुएशन संभाल। ओके सर, उस लड़की की चेन सर के पास थी, वो उसे लेने आई थी बस, और कोई बात नहीं। उसकी चेन तुम्हारे पास कैसे आई? फसा दिया ना मुझे। हाँ जी, अब जा घर जा। वो ना सर जब उसके स्कूल टीचर थे ना, उसने अली बागा ये कह के बुलाया था, सर जल्दबाजी में उससे मिलने के लिए चले गए। उसने बुलाया भी तो तुम गए क्यों? उस लड़की का किडनैप हुआ ऐसा फोन आया था, इसलिए सर उसे बचाने के लिए गए थे। बचाने के लिए तो पुलिस को जाना चाहिए था ना, तुम तो एक टीचर हो, आखिर तुम गए क्यों? हेलो मैडम, क्या इतने सवाल किए जा रही हो, ये एक लव मैटर है, सुनो ना। हेल्प करने को कह रहा हूँ, तू वाट लगा रहा है मेरी। सॉरी सर, मैं दोबारा दूसरी कहानी बताता हूँ, मैं तो देख लो खुद ही संभालो। काव्या, वन साइड लव है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, जस्ट लीव इट। आजा आजा,
वही है सूर्या सिंह का। एफआईआर कर दी है। यस सर। वो इस बिल्डिंग में पहले फ्लोर पर रहता है। सर चाबी ये लो। निशाना साध लिया है ना? हाँ भाई साध लिया, वो एकदम मेरा सामने है। इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। गाड़ी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे गोली मारते ही तुरंत वहां से निकल जाना। ठीक है ठीक है। अरे क्या हुआ? क्या होगा तुम्हें? गोली किसने चलाई? सामने वाले का और गोली चलाइए सर। अरे पानी को गोली लग गई। हाँ सर, उसे जल्दी से हमला कर लेगा। चाचा शूटर को सिंघम ने गोली मार दी भाई। गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दो। ये आप क्या कह रहे हो भाई? कुचल दो, बाहर कुचल दो, चढ़ा दे गाड़ी उसके ऊपर। पता लगा है कि वो एक श्रीलंकन है सर। हाँ, एक क्यूज का मोबाइल फोन सर बॉडी के पास पड़ा था। अरे शार्प शूटर के मोबाइल से फोन आ रहा है। ए भाई कैसा है तू? कौन? डी। डी मतलब? डी बोलो तो, दिल, डर, धड़कन, दुनिया, दोस्त, दुश्मन। तेरा दुश्मन सूर्या सिंघम। अबे तू क्या पागल हो गया है? मुझे मारने के लिए श्रीलंका से शूटर बुलवाया और उसे मारने के लिए बस एक कार। मैं सब जानता हूँ। तुझे अरेस्ट करने के लिए मैं बॉडी लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। भाई रुक, गाड़ी घुमाओ। भाई को अरेस्ट करना है सर? नहीं, बस यूं ही कह रहा था। अगर ये फोन लेकर उसे घर गए तो वो कह देगा कि गलती से मेरा रॉन्ग नंबर लग गया था। बच गया भाई।
तुम्हारी कार को टक्कर मारी तो इतना गुस्सा आ रहा है? मेरी मैडम के सर को टक्कर दे रही हुई ने, कितना गुस्सा आ रहा होगा? है कौन? डीएसपी सिंघम को फॉलो करना छोड़ दो, अदरवाइज यू विल फेल। धमकी किसे दे रहे हो? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? गोल्डन शिपिंग के ओनर की बेटी हूँ। मैं इंडिया साइकिल्स के ओनर की बेटी हूँ। तुम्हारे पापा क्या साइकिल में हवा भरते हैं? तो तुम्हारे पापा क्या जो हाउस की पेंटिंग करते हैं? ए, 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 हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ए, तुम क्या उस टाइप की हो? कितना पैसा लेती है? किसके बारे में क्या बोल रही हो? तू क्या इसका दलाल है? इस ड्रामे के लिए डीएसपी से कितने पैसे लिए? ये कैसी बातें कर रही हो? अरे क्या हुआ, जवाब नहीं दिया? बस हो गया। तुम खुद को समझती क्या हो? पढ़ी लिखी संस्कारी लड़कियों की तरह बात क्यों नहीं करती? आवारा और गिरी हुई लड़कियों की तरह बार बार बेहूदी बातें क्यों करती रहती हो? मुझे लगा था तुम समझदार हो, समझ जाओगी, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। काट डालूंगा। सामने वाले के दिल में क्या है उसे जाने बिना उसे छेड़छाड़ करने से प्यार नहीं होता, उसे दिल में रख के ख्यालों में जीना होता है। हम एक दूसरे को 2 साल से प्यार करते हैं, लेकिन अब तक मैं उसके लिए 2 घंटे भी नहीं निकाल पाया। अगर वो उदासी महसूस करती भी है तो भी मुझे बताती नहीं है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड लव। रानियों की तरह दिल्ली में रहती है वो, सब ऐशो आराम छोड़ छाड़ कर इसी उम्मीद में जीती है कि कब मैं उससे शादी करूंगा। दिस सैक्रिफाइस इज कॉल्ड लव। यू नो हाउ मच आई लव हर। उसकी आंख से अगर आंसू निकले तो मेरे दिल से लहू बहेगा। I'm sorry sir. ये कौन है? ये जाने बिना कुछ भी बोल दिया इनको। मेरे दिल को बदलने के लिए आपने इन्हें भेजा ये सोचकर गुस्से में कुछ भी बकवास कर दी। I'm really sorry sir. वाह क्या बात है, कोयले जैसे बॉयलर पर चंदन कुमकुम लगाकर डेकोरेट किया हुआ है। कहाँ है? अबे तेरा थोबड़ा देख के बोला। कौन है तू? अरे मैं सुंदर सिंह जी का बेटा हूँ। क्या बोला? उनके बेटे का नाम तो सूर्या सिंघम है। उसे तो पैदा किया था, पाला मुझे। चाय बना काले लंगूर। सुनो इसे कहीं पर देखे हो क्या? अरे इसे क्यों ढूंढ रहे हो? काटने का है। कटने से पहले उस बकरे का फोटो मैं भी देखना चाहता हूँ। भी देखी ले बेटा। तुम लोग कौन हो? हम सब लोग सहाय के आदमी हैं। इस चेहरे को कहीं देखा है क्या? काटने से पहले का प्यार दिखा रहे। क्या बोल रहे तो? कौन चेमिया? संभाल लिया तो? यमला पगला दीवाना। आई एम कमिंग फ्रॉम चाइना। चिके मंग चाचा पापा। अरे भाई ये तो वही है। यस मिस्टर डी। हे सूर्य सिंघम डैड। वेट आई विल डू। ओके आई विल बी एट इंडियन बॉर्डर टुमारो मॉर्निंग। Send Sagan to pick up the stuff. Sir, Jagatraj भाई को फोन कर रहा है। Record. Jagatraj ने कितनी देर पहले फोन किया था? 6 मिनट हुए सर। तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ आना है? 401. एक घंटे में पहुँचता हूँ। 401. सर किलोमीटर तो नहीं? नहीं, एक घंटे में पहुंचने की बात हुई है। 401 किलोमीटर कैसे पहुंच पाएंगे? बोट लॉन्च फेरी शिप, इनमें से किसी का नंबर है ये चेक करो। यस सर। यस सर। सर होटल का रूम नंबर भी हो सकता है ना? 612 201 401 ये पिन कोड भी हो सकता है। यस सर। सर दानू का है सर। यस कोस्टल एरिया है, माल उतारने के चांसेस है। हाँ बोलो श्रवण। जगतराज आ गया है सर। ठीक है सेफ रहना। डैनी ने फोन किया था, वो माल लेकर आ रहा है। तो माल उतरवा लेते हैं ना? पता है एक पागल कुत्ते की तरह सिंघम हमारे आगे पीछे घूम रहा है, इसलिए इस बार माल के लिए मैं डैनी को ना बोलने वाला हूँ। डर लग रहा है जगतराज, धंधे को छोड़ने का कोई आइडिया है क्या? हाँ दोनों मिलकर चलते हैं, भगवान की कसम खाते हैं और धंधा छोड़ देते हैं। अगर हमें ना बोलना है तो पहले हमें इस धंधे को छोड़ना होगा। उस अकेले से डर कर, इस धंधे को मैं कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं छोड़ने वाला। भाई जरा समझो, सहाय अभी यहाँ नहीं है, उसके साथ के 6 लोगों को उसने मार डाला है। मैंने उस सहाय के दम पर यह धंधा नहीं किया था, अपने दम पर किया था। दोनों बात कर रहे हैं सर, कहीं कोई और मूवमेंट हो रही है, देखो जरा। अब क्या हुआ? देखो भाई, सहाय अभी अंडरग्राउंड है, डैनी जाने का तो इंसल्ट होगी, इसलिए सहाय को समंदर के रास्ते बुलाकर माल उतवा कर भिजवाता हूँ।
आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद रात को बताता हूं। वो दोनों इतनी सीरियसली मीटिंग करके गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। सर, भाई का घर, फैक्ट्री, गेस्ट हाउस, गोदाम, लॉरी शेड, इन सब जगहों पर अच्छी तरह नजर रखना। मैं कैंप ऑफिस में रहूंगा, टच में रहना। ओके ओके सर। दीदी, दादी काली मिर्च लेने भी बोली थी लेकिन वो तो यहाँ नहीं मिल रही, किराने की दुकान पर ही मिलेगी, अब क्या करें? दीदी कौन है वो? मैंने बताया था ना, सानिया। ये लीजिए। सानिया, इट्स ओके, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। कीप इन टच। थैंक्स। दीदी उससे क्या बात कर रही थी? उसने सॉरी कहा तो मैंने उसे माफ कर दिया। ठीक है काली मिर्च लेनी है, किस दुकान से ले? अपनी ही दुकान से। ओके ओके। मैडम वो दुकान आ गई। एक किलो काली मिर्च दीजिए। और काव्या कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बेटी मेरा बेटा पुलिस में नहीं था इसलिए मना करना पड़ा। जब से उसे फिर से नौकरी मिली है तब से सारी चिंता मिट गई है। अब मैं उसकी शादी के लिए तैयार हूँ। अपने पिताजी को भेज देना। डैडी, सिंगम के पापा शादी के लिए राजी हो गए हैं। रियली? हाँ सच डैडी, और उन्होंने आपको बुलाया भी है। ओके बेटा। रवि सर, मेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो, तुरंत अपना ऑफिस दिल्ली शिफ्ट करो। ये अचानक? चार लैपटॉप लेकर तुम लोग दिल्ली आ जाओ। सर, भाई घर से बाहर निकला। ओके। सर, भाई एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। 955 की चेन्नई की फ्लाइट है ना? है ना सर। सर सहाय का मोबाइल आउट ऑफ रीच है सर। कहीं वो चेन्नई तो नहीं चला गया? हाँ बोलो सूर्या सिंगम। सर एक हेल्प चाहिए थी। हाँ आई विल डू दैट। ऐसा कोई आदमी यहाँ तो नहीं दिख रहा है, कहीं वो कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार तो नहीं कर रहा है? जरा चेक कर सकते हैं? हाँ वो यहीं पर वेट कर रहा है, 11:20 की बड़ौदा की फ्लाइट पकड़ने वाला है। अगले एक घंटे में भाई बड़ौदा पहुंच जाएगा, हमें वहाँ पहुंचने में 5 घंटे। सर मेरा एक दोस्त बड़ौदा में ऐसा ही है सर। बंदा भरोसेमंद है? हाँ सर, अभी बोलेंगे तो वो तुरंत वहाँ। जल्दी से भाई की डिटेल्स भेजकर उसे एयरपोर्ट भेजो। ओके सर। को फॉलो करो और मुझसे लोकेशन शेयर करो। ओके सर। कहां पहुंचे? बड़ौदा के पास जंगल में हूं सर। आओ भाई, स्वागत छे, स्वागत छे। वो एरिया किस पुलिस स्टेशन की रेंज में आता है? हलोल पुलिस स्टेशन में आता है सर। भाई मैं तो इस शहर में केरल से 1.5 टन चंदर की तस्करी करवाया हूँ। ये तो कुछ नहीं बस 70 किलो ब्राउन शुगर है, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बेसो बेसो। We will help you, sir. Thank you. Welcome, sir. सर सहाय का मोबाइल गुजरात नेटवर्क बता अच्छा रहा है। प्लान कामयाब हो रहा है। बोलो सहाय। माल सूरज के आदमी को दे दिया भाई। सर प्लीज वेट, दीपक फॉलो मी। सर वो अभी भी अंदर ही है। टेक पोजीशन। Hey!
है क्या? हाँ, एक रेलवे चेक फाटक है सर, तुरंत उसे गेट क्लोज करवा दो। ओके सर। तुम पीछे जाओ। भाई सिंघम मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं मुंबई बड़ौदा हाईवे पर हूँ। फोन बंद करो और तुरंत जा पहुंचो। इसीलिए मैंने माल उतरवाने के लिए मना किया था, लेकिन भाई सुने तब ना। भाई वकील साहब से कहकर रेड हैंडेड पकड़े गए हैं वो। बेल तो छोड़ो, हम कुछ नहीं कर सकते। कंट्रोल करो, जगह जगह हंगामा हो रहा है। अचानक ग्रुप में आकर पत्थर मारकर पब्लिक को परेशान कर रहे हैं सर। ऐसा करो, गाड़ी से सभी के ऊपर नीला रंग फेंको, हंगामे के बाद उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ओके सर। सीज किए हुए माल को तौल रहा हूँ सर, लगभग 70 किलो होगा। हरी पांडे सर, FIR में सिर्फ 62.5 किलो ही लिखना है, बाकी 7.5 किलो अलग से निकाल कर रखना। अबे ओ सूर्य के बच्चे, आज शाम तक अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो ये शहर ही नहीं महाराष्ट्र का हर गांव जलेगा। और तू देख लेना, तू जिस गांव में रहता है वो भी जलकर राख हो जाएगा। ओ बंदा सर, मैंने तुझे मारा, तुझे पीटा, तुझे गाली दिया, तुझसे बदतमीजी की, तो फटे भोंपू की तरह चिल्ला क्यों रहे? पैसों के लिए लोगों को नशे का आदी बनाता है, उसका कोई पछतावा नहीं है तुझे। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह देख रहा होगा, कोई डर नहीं, और कहता महाराष्ट्र जलाऊंगा। चला कर तो दिखा, मेरे गांव पर हमला करने का अंजाम जानता है तू। मुझे धमकी देता है शेर काकसू। शार्क को देखा है क्या? मैं उसी तेजी से भागता हूँ, हाथ नहीं लगने वाला तेरे। बहते पानी में तैरती मछलियों को निशाना बनाता है बगुला, चौकन्ना रहना उसी से सीखा मैंने। इन शिकारी नजरों से कोई नहीं बच सकता। कॉल फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, क्विक। भाई को अरेस्ट करने में आप लोगों ने जो मेरी मदद की है उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ बुलाया है। जी, हंसी आ रही है, शर्म आनी चाहिए। किडनैपिंग से लेकर कैद करने तक पुलिस डिपार्टमेंट की सारी खुफिया खबरें उन गुंडों तक पहुँचाई है तुम लोगों ने। तुम्हारी गलतियाँ जानते हुए भी तुम लोगों को नौकरी पर क्यों रखा है पता है? उसे अरेस्ट करने के लिए। डिपार्टमेंट को अब आपकी जरूरत नहीं है, चाहे तुम लोग लीव लो, ट्रांसफर लो, या नौकरी को ही क्यों ना छोड़ दो, लेकिन कल से शहर में दिखाई मत देना। तब हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। क्या बात है मिस्टर सिंघम, अचानक चले आए? भाई को तो अरेस्ट कर लिया है, अब तुम अपने आप को कब सरेंडर करने वाले हो यही पूछने आए। औकात में रहे। चुप कर तेरे को, क्या नाटक लगा रखा है तू? आंखें दिखाता है भाई, गन दिखाता है, और सहाय पत्थर बांधकर लाश समंदर में फेंकता है, और साथ में डैडी से तेरा माल भी लेकर आता है, और दुनिया के सामने तुम लोग दुश्मन बने फिरते हो। भाई
अगर तूने मुझे अरेस्ट कर भी लिया ना तो भी सहाय मुझे बचाने के लिए आएगा, जरूर आएगा। तू सोच रहा है कि सहाय सेफ है? पिछले महीने 28 तारीख को जेल तोड़कर डैनी को जहाज में पहुंचाकर खुद कन्याकुमारी में जाकर बैठा हुआ था। उसने सिम कार्ड बदला है, मोबाइल फोन नहीं। उसके मोबाइल फोन के IMEI नंबर के जरिए वो कितने सिम कार्ड बदल रहा है, किस शहर में घूम रहा है, ये सब जानता हूँ मैं। एक हफ्ते केरला में था वो, 5 दिन गोवा में था, 4 दिन बैंगलोर, 8 दिन हैदराबाद, और इस वक्त वो रामेश्वरम में जाकर बैठा हुआ है। जानता हूँ मैं, कल गुजरात में उसने तेरा माल उतारा, भाई की गिरफ्तारी से बेखबर होकर वो रोड के किनारे बैठकर बिरयानी खा रहा है, साला भूतनी का। डोंट ट्रस्ट मी, फोन करके खुद पूछ ले। सर बोली सर, कहाँ हो तुम? रामेश्वर में हूँ, खाना खा रहा हूँ। क्यों खा रहा है ना? मैंने सोचा था उसे जरूरत पड़ने पर पकड़ लूंगा, जब वो तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो। अब उसके साथ छुपा छुपी नहीं खेलूंगा। यस सर। अब यूज क्या कर रहा है? खाना खाकर अभी उठा है सर। डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर सर। एक पोजीशन सेकंड सर। फायर। मर गया, खेल खत्म। बफ्टी में आए पुलिस वालों ने सहाय भाई को मार डाला सर। 100 मील दूर बैठे को टपकाने में 10 सेकंड, तो तुझे टपकाने में कितना टाइम लगेगा? सीधे ठोककर चलता बोलूंगा। भगवान ने इतना खूबसूरत परिवार दिया है, अच्छा खासा धंधा भी करता है तू, सिर्फ चंद पैसों के लिए इतना गिरा हुआ काम करेगा सोचते हुए भी घिन आती है मुझे। अब सुन, कल सहाय की बॉडी आएगी, चुपचाप से बॉडी लेकर बक्से में डालकर उस पर माला चढ़ाकर उसे दफन करके मिट्टी डालकर चलते बनना। उसके बजाय हुंडों को भेजकर शहर में हंगामा करवाकर पब्लिक को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो यमराज माफ कर सकता है, मैं नहीं। आगे का फैसला तेरे हाथ में है। एक क्वार्टर दारू, बिरयानी और 500 रुपए की लालच में राह चलती मासूम पब्लिक पर पत्थर फेंकते हो, दुकानों को तोड़कर सामान की चोरी करते हो, ये बात गलत है ना? बोलो गलत है ना? कई साल पहले चनियावाला बाग में जनरल डायर ने हमारे लोगों को 4 दीवारी के अंदर बेरहमी से मारा था। वो लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले देशभक्त थे। आज जनता की स्वतंत्रता खराब करने वाले तुम लोगों को चनियावाला बाग में क्या हुआ था ये दिखाने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग देशद्रोही हो। कदम फॉरवर्ड मार्च, गार्ड्स पोजीशन चार्ज। गाड़ी चलाने की आवाज पर रोड पर गलत सोच लेकर चलने वाला भी डरना चाहिए। ओके सर, मैं अपने हाथी को खुला छोड़ देता हूँ। करीम भाई चार्ज। ये काला सांड क्यों पहलवानगिरी कर रहा है? अरे छोड़ो छोड़ो, उसका कोई कसूर नहीं है, छोड़ो। सिंघम साहब की शादी हो जाने तक हर छोटे बड़े काम का सुपरविजन करने वाला मैं हूँ। मैं ये तो बस सगाई का ही पंडाल है, शादी पर पूरे शहर को बुलाना है, ऐसा धमाल होना चाहिए समझे? पिताजी इसमें 60 लाख रुपए रखे, उसमें 30 लाख रुपए। ये लोग क्या करवा रहे हैं, शादी करवा रहे हैं या सौदा करवा रहे हैं? पेटी पेटी भर के पैसे दे रहे हैं। मेरा आईलैश टूट गया। ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं पुनीत से कहकर सांगली से मंगवा देती हूँ। यहाँ ढंग की लिपस्टिक तक नहीं मिलती, आईलैशेस कहाँ से मिलेंगी? क्या करो कहाँ से लाऊं? हाँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेट है, कब चाहिए आपको? सानिया आज मेरी सगाई है, तुम्हें भी आना है। ठीक है मैं आ जाऊंगी, आई विल कम विद दैट। आइए। इंतजाम मैंने किया है, अच्छा ना? जी जो एक बड़ा सा नोट डालिए। सबसे बड़ा वाला नोट ये है, इसे डाल दो। चलो चलो। बद्रू काका क्या कर रहे हो? केले छिल रहा हूँ। मलकर घिसना, घिसते घिसते छोटा ना हो जाए। आज छोटा ना हो जाए, बेवजह झगड़ा करते हो। सिंघम को देखा ना? तब से मैं आया हूँ तब से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थी, क्या कर रही थी? तैयार हो रही थी। बहुत सुंदर लग रही हो। अरे तुम्हें शर्माते हुए तो आज पहली बार देख रहा हूँ। मैंने देख लिया। क्या देख लिया? आपको शर्माते हुए मैंने भी देख लिया। बाहर किसी और से मत कह देना। ओके। माइक 21 कॉलिंग, कौन शर्मा रहा है? ये कैसे? जाओ यहाँ से। आइए मैडम। क्या बात है, जहाज जमीन पर आ गया? क्यों बे, इस फिल्म के सारे लोगों के रिएक्शन तो अकेला देगा क्या? तुम्हारा मुंह खुला ना तो इससे भी बड़ा घुसेड़ दूंगा। वेलकम सानिया। कैसे हैं आप? नमस्ते। जाइए ना।
गोवा के रहने वाले जेम्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपके बारे में अनजाने में मुझसे भीमा ने एक बात बता दी। क्या? आज आधी रात को आपके घर में घुसकर सभी को काटने के लिए जगत राज ने जेम्स को सुपारी दी है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ सर, कोई भी गिला शिकवा मेरे दिल में नहीं है। अब बताइए मुझे क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है। I will take care of it. ये देखो ये ठीक है। काव्या, सानिया से मुझे कुछ बातें करनी है। तुम्हारे चाचा अब एक बड़ी प्रॉब्लम में है। कैसी प्रॉब्लम में? उनका कोई दुश्मन पैसों के लिए बार बार उन्हें धमकी दे रहा है। उन्होंने एक पर्सनल ब्लैकबेरी फोन रखा हुआ है। वो नंबर अगर मुझे पता चल जाए तो मैं धमकाने वाले का पता लगा सकता हूँ। क्या वो नंबर तुम? हम लोग पुलिस फोर्स को बुला लेते हैं सर, नहीं तो माँ पिताजी सभी को मुंबई भेजकर डर कर भागने के लिए कह रहे हो? सर सर सर, ये लो, इसे गवर्नमेंट आर्मरी सेक्शन में सर्विस के लिए दे देना। कल दोपहर के बाद भी मिलेगी तो भी चलेगा। तब तक ऑन रिकॉर्ड मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं है। पुलिसमैन विद फैमिली विदाउट अ वेपन। के 1:30 बजे फोन को पहली घंटी पर ही उठा लिया। वो वाला जेम फोन करेगा कि सूर्या सिंघम के परिवार को काट डाला, ये न्यूज़ का इंतजार कर रहा था क्या? मुझे मारने के लिए लोगों को भेजना? उसकी वजह है ना, मर्दों की तरह अपने घर में छुपकर मेरे परिवार पर हमला करवाता है। अपनी बकवास बंद कर। एक निहत्थे पुलिस ऑफिसर ने आत्मरक्षा के लिए गुंडों के ही हथियार छीन कर उन्हें मार डाला, कल के पेपर में आएगा। अब बदला लेने के लिए किसी पुलिस वाले पर हमला करने से पहले कोई सोचने से भी डरेगा। जगत राज, तू मेरे घर के अंदर घुस आया है, मैं तो सह गया, लेकिन एक दिन मैं तेरे घर के अंदर घुसूंगा, तब तू सह नहीं पाएगा। सिचुएशन बहुत खराब है, स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑपरेशन टीम फॉर्म की है। सर आप कुछ इसमें? मेरे पूछने पर ही इतना सब बताया है, ट्रांसफर इतनी जल्दी नहीं कर सकते। उसके कुछ फॉर्मेलिटीज है, फिर भी सेफ्टी के लिए बेमतलब के सारे रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दो। All of you, just listen. Yes, sir. Erase all unwanted files. Password, PIN number, everything. जल्दी जल्दी फाड़ो। घर के अंदर अगले एक हफ्ते के लिए कोई भी बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए। जगतराज का बीबी नंबर मिल गया है।
सर हा? कोरिया के लिए मैन्युफैक्चरर्स की साइकिल में से अभी 4000 बची हुई है, क्या करें सर? एक गुड आइडिया है, अपनी काव्या की शादी में सभी आए मेहमानों को एक एक साइकिल भी शादी के भेंट में दे देते हैं। ऐसी बातें सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एक्सक्यूज मी पैसे वाली मैडम, आप सभी को साइकिल क्यों दे रही है? हमारी साइकिल कंपनी है इसलिए साइकिल दे रहे हैं। तो अगर जमाल घोटा बनाने की कंपनी होती तो क्या दाल में जमाल घोटा मिलाकर पिलाती? दाल में जमाल घोटा डालेंगे तो खराब हो जाएगी, चटनी में ही डाल देंगे। काले गुलाब जामुन, तुम्हारी मैडम सच में पागल है या पागलों वाली एक्टिंग कर रही है? सर आपका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया है। हेलो, वेयर आर यू? आई एम नियर द बॉर्डर मादागास्कर। प्लीज डोंट कम एनीवेयर नियर टू इंडिया। व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग? आई इज अरेस्टेड बाय सिंघम। Also, he is trying to arrest me. You don't scare me. You give me Suresh Singh's number, I'll call him and blast him myself. Sir, Danny Jagatraj se phone par baat kar raha hai. Abhi Danny aapko phone karega sir. How are you, Danny? How do you know my number? How come you know my number? Third-rated criminal like you can get my number. You think I can't? Hey, cop. I am king of Indian Ocean. Hey. Don't even dream of finding me. I'm coming after you. The day I see you will be the last day of your life. You want to see me? You want to see my face? Turn on your video call and see how I laugh at your stupid police force. Hey, Indian police. You all corrupted fellows. When I throw money at you like a boom, you run behind me like a dog. Then I kick you like a slave. You rascal! You animal! Wherever you are in the world, I'll come in front of you and arrest you. And I'll drag you and put you back in the same cell from where you escaped. And I'll make you realize the power of an Indian police officer! Police officer! Police officer! Police officer! Jagat Raj, you sought out your issues. I have some problems with the Australian police too. I plan to pass my business for 6 months. I mean to move away from seas and be on land for some time. कैप्टन, अबे सुन, सहाय मर गया। क्या कहा? सहाय टकला मर गया? अबे सुन, कल नारियल तोड़नी है। अच्छा हुआ जो टकला मर गया, वरना मैं उसके सिर पे नारियल फोड़ने वाला था। तू भी निकल ले, तू भी निकल ले। ओए सहाय, निकल बाहर, मैं तो तेरी गर्दन काटूंगा और जाकर माता को भेंट चढ़ाऊंगा। तू सिर्फ इंसानों को काटता होगा, लेकिन मैं मछली काटता हूँ, ये लकड़ी भी काटता हूँ, ये रस्सी भी काटता हूँ, सोए हुए के बाल भी काटता हूँ, मिट्टी काटता हूँ, लड़कियों को भी काटता हूँ, बिजली के वायर। बिजली का वायर है, झटका लगेगा। अपने गाँव में तो बिजली है ही नहीं, तो मुझे झटका कहाँ से लगेगा? छोड़ो, अभी अभी एक को काट के आया हूँ, एक ही वार में किए हैं 3 टुकड़े। एक वार में तो 2 ही टुकड़े होंगे ना? उसके मुंह में चिकन का टुकड़ा था ना, तू ज्यादा मत बोल वरना तुझे भी। मैं करता हूँ डेंजर को डिपॉजिट और बनाता हूँ अपनी लाइफ सुपर हिट। अरे कॉमेडियन, कौन है बे ये काली गोटी? सहाय का बेटा है। क्या बोला तूने? ओहो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, यही तुम्हारा डायलॉग बहुत फेमस है ना? इंच भर का नहीं है और डायलॉग का पंच कैसे मारता है देखो। मेरे बाप को काटने आया था तू, और मेरी माँ को भी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। अबे काली गोटी, तेरी हाइट मेरी गर्दन तक भी नहीं पहुंचेगी। जहाँ तक मेरी हाइट है वहीं काट दूंगा। अरे वो जगह काटने वाली नहीं होती। मैं तुझे छोडूंगा नहीं, काट डालूंगा। अरे कहाँ भाग रहा है, रुक जा, रुक जा। अरे कहाँ भाग रहा है, मैं तुझे काट डालूंगा। सर, डेनी ने आपसे बात की, उसका वीडियो रेफरेंस है। जगतराज से आपकी बात हुई, रेफरेंस है। दोनों को मैच करके जगतराज को अरेस्ट कर सकते हैं क्या? सर, डेनी और जगतराज ने ड्रग्स के बारे में बात ही नहीं की, इसलिए इस केस को स्ट्रॉन्गली होल्ड नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने कुछ और ही सोचा है। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन है आप? मैं कार्गो सेक्शन का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। फर्टिलाइजर्स का सैंपल आया है, आप घर पर दे दीजिए, एमडी साहब लंच टाइम में देख लेंगे। मुझे अर्जेंटली एयरपोर्ट जाना है। सर, ऑफिसर हैंड ओवर कर दिया है। एनी डाउट? नो डाउट सर। वो कार घर के अंदर जा रही है सर, अब वो कार बाहर नहीं निकलनी चाहिए। चाची, क्या हुआ बेटी? ये पार्सल चाचा जी के लिए किसने दिया है? सर, आपके भाई से चेक पर साइन लेने के लिए आपके घर आया था। आपके बच्चे आईपैड पर एंग्री बर्ड खेल रहे हैं। मेरे आईपैड पर? जी हाँ सर। बिना पासवर्ड के कैसे खोल लिया उन्होंने? मैंने पूछा, बच्चों ने कहा कि सानिया मैडम ने ओपन करके दिया है। चाचा जी, कॉफी। She must have noticed that. डैनी के साथ की सारी डीलिंग उसी में है सर। जगह
जगतराज घर के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, स्पॉट इनडायरेक्ट सील कर दो। ओके सर। बच्चे कहाँ हैं? वो तो ऊपर। सुनिए जी, आपके लिए पार्सल आया है। क्या है ये? Are you dealing with drugs? सच! अरे वो जो लेके आई थी पार्सल, उसमें तो ड्रग्स है। ये क्या जगत? अरे सर, चाचा जी को इस बारे में कुछ नहीं पता। फर्टिलाइजर सैंपल ये कहकर हमारे मैनेजर ने मुझे दिया। पार्सल किसके नाम का था? चाचा जी के नाम का। Shut up and stay away! जब तक कहा ना जाए कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। सर, सानिया मैडम के कार की GPS रडार को चेक किया, वो 4 दिन पहले सिंघम के गांव गई हुई थी। उसने स्कूल जाते समय किडनैप करके सेंटर्स रोड ले गए हैं ऐसा कहा था। वहाँ एक गड़बड़ हुई थी, कार तो स्कूल के रूट पर गई नहीं थी, सीधे बीच के रूट से होते हुए सेंटर्स रोड गई थी। चाचा जी कॉफी। मेरी चीन चीन कर लेंगे। क्या हुआ जगतराज, इतना सब कुछ हो गया और तू यहाँ खड़े होकर पोज दे रहा है? बड़ौदा में पकड़ी गई 70 किलो ड्रग्स में से 62.5 किलो भाई के नाम पर डाली, उसमें से 7.5 किलो तेरे नाम पर डालने के लिए रखी थी। गलत कर रहे हो सिंघम। गलत के साथ गलत करना सही है। कहा था ना मैंने, जब मैं तेरे घर में घुसूंगा तू सह नहीं पाएगा। पुलिस की बुद्धि दिखा रहा है क्या? नहीं, पुलिस का ब्रिलियंस दिखा रहा हूँ। किसी को कुछ नहीं पता, इस सब की वजह मैं ही हूँ। कम ऑन, अरेस्ट मी। जगतराज को अरेस्ट कर लिया भाई। ये सब कैसे जगतराज? तुम्हारी बेटी, उसे मेरे आईपैड का पासवर्ड पता था, वो पुलिस तक गया तो गोल्डन शिपिंग का जहाज समंदर में डूब ही गया, समझो। डैनी ने जब जगतराज को फोन किया था तब सिर्फ एक नंबर से फोन करके उसने वो फोन बंद कर दिया था सर। तो वो नंबर साउथ अफ्रीका के डर्बन सिटी का नंबर है सर, हमने ये पता लगा लिया है। तो वो जरूर डर्बन सिटी ही गया होगा। जब उसने मोबाइल ऑफ किया तो शिप किस जगह थी ये पता लगाया? पता लगा लिया सर, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नंबर से ट्रेस कर लिया सर। ये एरिया मडगास्टर के नीचे आम्बो वेम्बो नाम से कोस्टल एरिया है सर। वहाँ से डर्बन कितना दूर है और उसे पहुंचने में कितना वक्त लगेगा ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे। यस सर। साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा। ये केस भाई और जगतराज के अरेस्ट से खत्म नहीं होगा सर। ऑपरेशन डी का अल्टीमेट टारगेट ही डैनी को अरेस्ट करना है। अगर वो डर्बन में उतर गया तो इतने बड़े अफ्रीका में उसे पकड़ना मुश्किल है। उसके वहाँ पहुँचने से पहले मुझे पहुँचना होगा। तुम फौरन निकल कर मेरे पास आ जाओ, मैं दिल्ली होम मिनिस्ट्री से बात करके इंतजाम करवाता हूँ। हरी पांडे सर, सेंट्रल मिनिस्ट्री से साउथ अफ्रीका जाने की परमिशन मिल गई है, इसलिए मुझे आज रात को ही निकलना होगा। डर्बन पुलिस हेडक्वार्टर से हमारा कुछ समय बाद कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा। डैनी ने जिस नंबर से बात की थी उन्हें वो नंबर देकर उसने किससे बात की, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, आज पूरा दिन उन्हें वॉच करूंगा। ओके सर। हेलो या वाला घर पे आया था, इसीलिए मेरी बेटी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। रुको यार, रुको यार मैडम, तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। हमारा बनाया प्लान फेल हो गया सर, आखिर में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया सर। नहीं हरि, वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये सब उसकी जानकारी में ही हुआ था। क्या वो नंबर तुम मुझे ला कर दे सकती हो? चाहे कोई भी बात हो, उसे सोच समझ कर करने वाले इंसान हैं आप, पर आज आपकी आंखों में झूठ दिख रहा है सर। आपको मेरे चाचा जी का नंबर क्यों चाहिए बताइए ना सर। मतलब हम जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं वो सारे पाप की कमाई के पैसे हैं, ये सोचकर घिनाती है। आप कहिए सर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। पता नहीं वो कैसे ये बात जान गए और उस लड़की को मारी डाला सर।
तेरे घर होके आ रहा है क्या? कैसे इंसान हो तुम लोग? अपनी बच्ची को जहर देकर मार डाला, जानवरों से भी बदतर हो। तेरे साथ सोने के बदले उसने मुझे फंसाया, इसलिए वो मेरे हाथों क्यों नहीं मरी यही सोच रहा हूँ। छी, कितनी गंदी सोच है तेरी। खुद को अच्छा साबित करने के लिए रिश्तों को भी गंदा कर दिया तूने कमीने। ओए सिंघम, पूरे देश में बहुत से राजनेता मेरे लिए काम कर रहे हैं। तेरा ऑपरेशन डी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऑपरेशन डी फॉर दाऊद भाई है, ये मैं जानता हूँ बेटा। डी का मतलब दाऊद नहीं है, डैनी है। ऑपरेशन डैनी। आज ही निकल रहा हूँ मैं। वो लंगूर किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे कोर्ट तक घसीट कर लाऊंगा मैं। तू इंटरनेशनल क्रिमिनल ही नहीं, उसे बचाने के लिए तूने अपनी बच्ची सानिया तक को मार डाला। सच कुछ साबित करके तुझे फांसी दिलाऊंगा। अगर ऐसा नहीं कर सका तो तुम लोगों को गोली मारकर मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। तीन दिन के बाद हमारी शादी है और तुम जाने की बात कर रहे। There is no other way, Kavya. मैं बस ये चाहता था कि किसी को भी मेरे काम की वजह से कोई दुख ना पहुंचे, लेकिन आज मेरा दिल उथल पुथल हो रहा है काव्य। एक मासूम मर गई। I'm extremely sorry, काव्य. I'm very sorry. वहां ना जाकर अगर मैं शादी को लेकर खुद घस बन गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल तो जाना होगा, लेकिन वादा करता हूँ शादी की सुबह तक लौट आऊंगा। तुम जाओ। सर, आपने अचानक इस वक्त घर पे क्यों बुलाया? ऑपरेशन डी को कैंसिल कर दिया गया है सर। एक तरफ विपक्ष का दबाव, दूसरी तरफ गठबंधन की मजबूरी। इसीलिए मैंने उसी दिन कहा था। देखो सिंघम, ऑपरेशन डी कैंसिल करने का ऑर्डर फैक्स से या ईमेल से तुम्हें नहीं भेजा गया है, पोस्ट से भेजा गया है। वो ऑफिशियली कल सुबह ही तुम्हारे हाथ लगेगा, लेकिन उससे पहले आज रात ही तुम साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे हो। मुंबई से डरबन जाने वाली फ्लाइट टिकट, वीजा, हमारी गवर्नमेंट का ऑर्डर, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और तुम्हारे लिए वेपन यूज करने की परमिशन, ये सब इसमें। प्रोसीड। Mr. Surya Singham? Yes. Major Kyle Ambrose. Hello, Major. Mr. Singham, the number dialed by Danny sent by you belongs to a guy called Alex. Mm-hmm. He's a local don in Durban. Mm. We have formed four teams for this operation. Okay. One will cover the seashore, one will cover the harbor, one will cover the city, and one will be with you. Thank you, Major. I won't need a team now. Let me go alone first. Those guys are very dangerous. Alex won't know I'm a cop. And that's my advantage. Please hand me a mobile with a GPS tracker. I'll follow Alex in 100 meters range and you cover me in 500 meters. As Alex meets Danny, I'll alert you and then you can come in. Mr. Singham, I don't think you're right. Sir? I think this officer is correct. Colonel, one more important point. Nobody should shoot Danny. I want him alive. Mm. Only then I'll be able to convict two more criminals back in my country. Mm. The house at the end of the street is Alex's. Yeah. Hi guys. Come on, man. Let's move. Where are we going? I'll tell you now. Mr. Surya Singham, you are in Lanka. All right, let's go. Let's go. You guys go to Natal Command, pick up Danny. Come on, hey Alex, come on, let's go. Go. Mr. Danny, welcome to Durban. I am waiting at Natal Command. इसके कहने पर उसे साउथ अफ्रीका भेजे हो? कानून के मुताबिक ही भेजा है। मिशन स्टॉप कर दो।
Now you're in Natal command area. We guessed it right. Well, Danny's here. Yes, we're on the way. Move, move! I'll make sure you reach safely Johannesburg by road. Major, where are you? I'm stuck in traffic. They're leaving. Yes, I'm coming. Move fast. Move, move. Indian police officer. Wherever you are in the wall, I'll come in front of you! Hey, man, what's happening, man? Come on, let's move, man! Wilson Wharf. The Indian government wants to stop the mission. Sorry, Colonel. The Indian police officer has already gone into the sea. What? Yes, go, go, go! Captain! Yes, sir. Take the ship to Kenya. Okay, sir. Get your guns! Come on, man. Yes, yes!
ऑर्डर से? What did you say about the Indian police? You throw money at us and treat us like a slave? Come on, get up. Get up and fight. You are not king of Indian Ocean. India is always king of Indian Ocean. Wherever you are in the world, I'll come in front of you and arrest you. And I'll drag you and put you back in the center from where you escaped. And I'll make you realize the power of an Indian police officer.